हेलो एवरीवन, आज बहुत दिन बाद शूट कर रहा हूँ। थोड़ा सा वैकेशन में गया था, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लग गया। तो आज तो 1000 का स्पेशल वीडियो बनाने का मूड है, ठीक है। तो आपको दिल से बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना जल्दी हमारा जो चैनल है इतना जल्दी इतना हाई सब्सक्राइबर पे आप लोग पहुँचा दिए, ये तो मेरा एक्सपेक्टेशन से बहुत ही बाहर था। तो आज जो भी होगा, ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, ठीक है। आपके लिए मैं थोड़ा सा स्टडी मटेरियल आपके लिए बनाया हूँ। तो जो भी पहले का वीडियो जो भी देखा है, ठीक है, जिन्होंने भी देखा है उन्होंने तो बहुत लाइक और सब्सक्राइब और प्यार दिया है। तो आपके लिए और एक चीज़ मुझे देना था, ये रिक्वेस्टेड भी था, हमारा सब्सक्राइबर ने टेलीग्राम वगैरह पे रिक्वेस्ट भी किया था, तो आज उसका वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो क्या टॉपिक है, वो है हमारा क्लॉक डेटा एंड रीसेट के ऊपर। पूरा जो हमारा डेटा वगैरह का कम्युनिकेशन है उसके ऊपर है, ठीक है। तो थोड़ा रुक जाओ इधर पे, थोड़ा मैं इस वीडियो के से पहले कुछ बताना चाहता हूँ, वो सब मैं बता लेता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे वीडियो लेके जाएंगे, ठीक है। पहली बात तो ये, जो मैंने बोला था 1000 सब्सक्राइबर पे एक मैं ग्रुप लॉन्च करूँगा, वो ग्रुप है टेलीग्राम का। टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर आपका जो भी क्वेरीज है आप डाल सकते हो। उधर पे सिर्फ मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, उधर पे आप सभी लोग रहेंगे, सभी लोग एक साथ रहोगे उधर पे, जिसके पास जो भी है जो आप हेल्प कर सकते हैं आप कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपको मेरे तरफ से इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो ऐसे करने से क्या होगा, अगर आपके पास समझो कोई डेटा शीट है, कोई डायग्राम है, कोई बोर्ड व्यू है, कोई बायस है और कोई प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास है, तो आप सामने वाला को दे के आप उसे हेल्प कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज देखो, नॉलेज तो शेयर करने से ही बढ़ता है, हाँ। तो जब आप शेयर करोगे और लोग आपको देख के इंस्पायर होगा और आप और लोग भी ट्राई इधर पे ट्राई करेगा शेयर करना, जो भी उन्होंने उनके पास अवेलेबल है, जो नॉलेज है, जो उनके पास डेटा वगैरह है, एनीथिंग, सो उसके बिहाफ पे हमारा जो पूरा कम्युनिटी है ना वो बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। मैंने जो चैनल ओपन किया है वो फॉल्ट फाइंडिंग गेम नेम से ही है, आप अगर सर्च करोगे फिर भी मिल जाएगा, वो एक पब्लिक ग्रुप है और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, तो उधर से आप जाके ज्वाइन हो सकते हो। 50+ मेंबर अभी तक ज्वाइन हो चुका है, अभी उधर पे डिस्कशन भी बहुत सारा हुआ है। मैंने मेरे पास 2500 के करीब स्कीमेटिक था, मैंने अपलोड कर दिया, पूरा मेरा डेटाबेस था, बहुत सारा बायोस था, मैंने सभी वर्किंग है, सभी बैकअप लिया हुआ है, मैंने अपलोड कर दिया आपके लिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा। आप बिंदास जाओ, डाउनलोड करो, यूज़ करो, ठीक है, जो भी इच्छा है उसके साथ करो आप, ठीक है। बट हाँ, ये ज़रूर याद रखना, सभी हम लोगों को एक साथ मिल बांट के रहना है, ठीक है। वो हमारा एक फैमिली है, मेरा एक इच्छा है, हम लोग एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे जिधर पे हम लोग हमारा जो चैनल में जुड़ा हुआ है, जो भी टेक्नीशियन भाई लोग, जो भी यूज़र लोग, जो भी हो, ठीक है, जो भी इस चैनल में जुड़ा हुआ हो, उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप सभी उधर पर आ जाओ और उधर पे आपका जो भी नॉलेज है आप शेयर करो। अगर आपको कोई नॉलेज का ज़रूरत है तो आप आक्स करो और कोई हेल्प कर देगा, ठीक है। आज मैंने देखा एक B250 एक मदरबोर्ड का बोर्ड व्यू किसी ने मांगा था और एक हमारा उधर पे ही ग्रुप मेंबर उसे फ्री ऑफ कॉस्ट उसे उधर पे पोस्ट कर दिया, बट वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा किधर पे भी, ठीक है। आप सर्च कर लो, वो एकदम भी एक्सक्लूसिव पेड ग्रुप में मिलता है और किधर पे भी नहीं मिलेगा। बट हम इतना दूर आगे चले गए
उन्होंने इतना अच्छा एक काम किया, जो फ्री स्कीमेटिक पेड की स्कीमेटिक बोर्ड व्यू उन्होंने फ्री में दे दिया। मैंने तो बहुत पोस्ट किया है, ठीक है, बट ये मेरा पहला सब्सक्राइबर ने किया है, तो आप लोग भी इसके साथ जुड़ो और आप भी ऐसे ही काम करो, तो हम लोग मिल बांट के एक बहुत अच्छा कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, जिधर पे हमारे पास जो भी केस आए हम लोग उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और अगर सॉल्व नहीं भी कर सकते हैं खुद के दम पे, तब हम हमारा जो कम्युनिटी का मेंबर है, हमारा जो फ्रेंड्स है, फैमिलीज है, ओके, ये एक फैमिली है, ठीक है, हम लोग एक साथ ही रहते हैं, हम लोग एक साथ हमारा प्रॉब्लम शेयर करते हैं, ठीक है, तो हमारा फैमिली में आप आक्स करो, कोई ना कोई, मैं ज़रूर देख रहा हूँ कौन क्या मैसेज कर रहा है, ठीक है, तो मैं ज़रूर उधर पे रिस्पॉन्स करूँगा, बट मैं अगर अब अवेलेबल नहीं हूँ, अनअवेलेबल हूँ, तो कोई ना कोई ज़रूर कर देगा, ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो आप ज़रूर जाओ और ये सब करो, और वो एकदम ग्रुप के पहले में बहुत सारा इम्पोर्टेंट मैंने सॉफ्टवेयर डाला है, जो आप बायोस एडिटिंग के टाइम पे आपको चाहिए, मी क्लीनिंग जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, मी एनालाइजर टूल होता है, वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने डाल दिया है, वो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, आपको उधर पे कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट की कुछ भी नहीं मिलेगा, तो सभी मैंने ग्रुप पे अपलोड किया है, आप जाओ डाउनलोड करो और इन्जॉय करो, ठीक है, तो ये तो पहला बात हो गया। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात है जो मैंने बोला था, मैं एक फेस कैम्प वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, फेस कैम्प का मतलब फेस दिखा के एक वीडियो, ठीक है, चैनल के बारे में बात करना था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा DSLR है मेरे पास, ठीक है, वीडियो DSLR से बनाना होगा, फेस कैम नहीं तो अच्छा नहीं आएगा, और फ़ोन से भी बनाऊँ तो मेरा फ़ोन से तो डिस्टेंस बन जाएगा, और उसके लिए एक एक्सटर्नल माइक्रोफोन चाहिए, ठीक है, जो बोया वगैरह का कॉलर माइक आता है वैसा चाहिए, बट राइट नाउ मेरे पास वो नहीं है, इसके कारण मैं अभी थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ जो फेस कैम वीडियो है, ठीक है, उसमें मेरा इच्छा था मैं आपसे मेरा लाइफ का स्टोरी शेयर करूँ, ओके, किधर से किधर तक मैंने पहुँचाया, किधर से किधर तक मैंने आया, कैसे कैसे आया, ठीक है, बहुत लोग थोड़ा बहुत जानते हो, बहुत लोग नहीं जानते हो, तो मैं चाहता था वो क्लियर हो जाए, बट राइट नाउ वो पॉसिबल नहीं हो रहा है, सो जब पॉसिबल हो जाएगा तो ज़रूर मैं उस वीडियो को भी करूँगा, ओके, बहुत लोगों का इच्छा है DSO के ऊपर वीडियो चाहिए, तो इस वीडियो में मैं DSO को यूज़ करूँगा और थोड़ा बहुत DSO दिखा दूँगा, अगर उसके बाद भी DSO के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपको चाहिए होगा तो ज़रूर मुझे बोल देना आपको क्या देखना है, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाने की 100% ट्राई करूँगा, ठीक है, तो ये था हमारा बात, ठीक है, तो ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लो, उधर पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपको, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन पे है, जिसके पास भी जो नॉलेज है, उधर पे हम लोग एक साथ रहेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है, आप भी शेयर कर सकते हो, आपके पास जो भी डेटा है, जो भी बायो से स्कीमेटिक है, आप उधर पे शेयर कर सकते हो विदाउट एनीथिंग आस्किंग, बिकॉज वो उधर पे रह जाएगा, अगर आपका समझो आपका हार्ड डिस्क कभी डेड हो गया, ठीक है, तो उधर पे रह जाएगा, आप उधर से रिट्रीव कर सकते हो, टेलीग्राम में डिलीट नहीं होता है, सभी रहते हैं, ठीक है, आप अगर कोई आपका जो टेलीग्राम का जो खुद का अकाउंट है वो अगर कोई भी आप मोबाइल में डाल रहे हो, नया मोबाइल में, नया कंप्यूटर में, उधर पे भी आप स्क्रोल अप करोगे तो सब कुछ दिखने लगेगा, ठीक है, तो वो गायब नहीं होता, वो हमारा एक डेटाबेस है, तो आप उसे एज ए डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है लैपटॉप का, मैंने देखो मैंने वीडियो में पहले जो वीडियो डाला था उसमें तो बहुत सारा मुझे प्यार मिला, ठीक है, उधर पे मुझे 2.5K व्यूज़ आ गया उस पर, ठीक है, अराउंड कितना दिन हुआ है, 10-12 दिन हुआ है, ठीक है, तो उसमें इतना व्यूज़ आ गया, आज है 6 जैन, ठीक है, जनवरी में 6, तो नया साल का आप सभी को मुबारक हो, ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। मैं तो टाइम पे वीडियो नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैंने कम्युनिटी पे आप चेक करते रहना, कम्युनिटी पे मैं डालता रहता हूँ आपके लिए जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, जो भी आपको इम्पोर्टेंट है मैं डालता रहता हूँ, मेरा कम्युनिटी ज़रूर चेक करो, ठीक है,
जो यूट्यूब में कम्युनिटी होता है, मेरा चैनल के अंदर कम्युनिटी बोल के एक पार्ट है जिधर पे वीडियोस है, शॉर्ट्स है, प्लेलिस्ट है, उधर पे भी एक बटन आता है कम्युनिटी, ठीक है। और मेरा एक इंस्टाग्राम का चैनल है, ओके, चैनल का मतलब उधर पे एक इंस्टाग्राम का अकाउंट है, उधर पे भी मैं बहुत सारा चीज़ अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो मैं उसका भी लिंक इसके वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग ज़रूर उधर पे मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। तो चलो अभी ये सब बात हो गया तो हम लोग केस स्टडी पे आते हैं और हमारा जो आज का पढ़ाई है वो चालू करते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। और इधर पे जो मैंने आपके लिए इधर पे आज जो भी डेटा मैंने इधर पे कलेक्ट करके आपके लिए लिखा है वो बहुत एक्सक्लूसिव है, बहुत ही महंगा आपको मिलेगा, ठीक है, आपको फ्री में कभी भी नहीं मिलेगा। मेरे पास जो भी मैं जानता हूँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है, यही मेरा चैनल का आफ्टर ऑल मोटो है। सो मैं आगे भी ऐसा ही करता रहूँगा, जो भी आपका डिमांड होगा मैं ज़रूर उसे फुलफिल करता रहूँगा, ठीक है। तो देखो पावर लेवल मैंने समझा दिया जो पावर का खेल होता है, बट पावर के बाद क्या है, ठीक है। पावर लेवल तो हो गया, आपका मदरबोर्ड में वोल्टेज फॉर्मेशन हो गया, SLP वगैरह बन गया, ठीक है, बट उसके बाद आपका जो क्लॉक है, डेटा है, रिसेट्स है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इसके बारे में। और भी बहुत कुछ है, बायोस का भी डेटा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैं ओवरव्यू देता हूँ क्या क्या बात करेंगे आज। पहले तो क्लॉक के बारे में बात करेंगे, उसके बाद किधर से क्लॉक ख़त्म होता है और डेटा का स्टार्टिंग होता है वो बात करेंगे, उसके बाद बायोस को कैसे DSO से कंफर्म करना है बायोस ओके है कि नहीं ये बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कम्युनिकेशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, जो हमारा कम्युनिकेशंस है, क्या क्या प्रॉब्लम आता है, अगर इस लाइन वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कैसे ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो में आपको थ्योरी मिलेगा, प्रैक्टिकल मिलेगा, विद DSO के साथ इंटरेक्शन मिलेगा, ठीक है, DSO के साथ दिखता रहेगा आपको सब कुछ। और ये एक पेन ड्राइव लेके मैं बैठ गया हूँ, ये पेन ड्राइव इधर पे अभी ही कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो DSO में जो भी हम देखेंगे इधर पे हम लोग प्रिंट स्क्रीन करते रहेंगे और वीडियो के अंदर मैं उसे चिपका दूंगा, इधर पे भी दिखाऊंगा उधर पे भी दिखाऊंगा, इससे आपको क्लियर व्यू मिल जाएगा इधर पे कितना फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, कैसा वेव फॉर्म होता है, ये सब, ठीक है। तो वीडियो लंबा होने वाला है, चाय कॉफ़ी लेके बैठ जाओ, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, ठीक है। आप इसे बहुत ध्यान से देख लो, जब जो भी जिसका भी पावर लेवल का कन्फ्यूजन क्लियर हो गया है मेरा पहला वाला वीडियो देख के, अभी उसका इधर पे जो उसके बाद वाला पार्ट है, जो डिस्प्ले आने पावर बन जाएगा तो भी डिस्प्ले हमारा तो आउटपुट नहीं होगा, इसके बाद हमारा क्लॉक रिसेट एंड डेटा बनना चाहिए, ठीक है। और हम लोग स्कीमेटिक भी देखेंगे, एवरीथिंग स्कीमेटिक में, उसके साथ वोल्टेज चेक करेंगे, उसके साथ हम लोग सिग्नल्स चेक करेंगे, फ्रिक्वेंसी चेक करेंगे, एवरीथिंग होगा, ठीक है। चलो वीडियो चालू करते हैं और आप लोग चाय लेके बैठ जाओ, ठीक है। आज देखो मैंने फिर से वैसा ही किया है, एक नंबर दो नंबर करके मार्किंग किया है, इसका मतलब क्या है, मैं इसे एक PDF बनाऊंगा और आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ड्राइव का लिंक छोड़ दूंगा, उधर से आप ज़रूर इसे डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसे डाउन कर लेता हूँ, ठीक है, इससे आपको दिखने में आसानी होगी, गुड। तो इधर पे मैंने पहले लिखा है, ठीक है, मैं थोड़ा फोकस कर लेता हूँ, हाँ फोकस्ड है, ठीक है, गुड। इधर पे पहले मैंने लिखा हूँ page number 1 है लैपटॉप क्लॉक डेटा एंड PLT। बहुत लोग इधर पे एक चीज़ बोलता है क्लॉक डेटा एंड रिसेट, ओके। तो क्लॉक डेटा और रिसेट का जो कॉन्सेप्ट है ये ओके नहीं है, ठीक है, पहले ही ये बात आपको समझना है, आपको जो याद रखना है, देखो मैंने लिखा CLK क्लॉक होता है, ठीक है, डेटा एंड रिसेट ये लोग बोलते हैं, बट इससे ये क्रॉस्ड है या सही नहीं है, बिकॉज इसका रिदम सही नहीं है, इसका स्टेप्स सही नहीं है। स्टेप्स कैसे सही नहीं है, पहले बनेगा आपका क्लॉक, उसके बाद बनेगा आपका PLT रिसेट, उसके बाद मतलब रिसेट,
और उसके बाद बनेगा आपका डेटा, ठीक है। इसे समझाना होगा, आपको समझना होगा इसे, ऐसे आप याद रखो, यह है सीपीडी। सीपीडी, सीपीडी का मतलब क्लॉक पीएलटी डेटा, ठीक है। तो इस सीपीडी के डेटा, तो आप इसे याद रखो, बिकॉज ऐसे ही फॉर्मेशन होगा। जब भी वोल्टेज का फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद ऐसे क्लॉक बनेगा, रिसेट बनेगा, उसके बाद हमारा बनेगा डेटा, ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले। चलो अभी देखो मैंने कैसे इधर पे लिखा है, ठीक है। आपको इधर पे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, बहुत लोगों को मोस्ट प्रोबेबली ये इन्फॉर्मेशन बहुत फैसिनेटिंग लगेगा, बिकॉज आप लोग मे भी नहीं जानते हो, और जो जानते हैं वो बहुत एडवांस लेवल में है। वो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आप जो नहीं जानते वो जान जाएंगे, मैं भी नहीं जानता था एक टाइम पे, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना। तो देखो मैंने लिखा है मदरबोर्ड पावर सीक्वेंस इज कम्प्लीट, ओके। एक नंबर स्टेज, एक नंबर पे जो है मदरबोर्ड का पावर सीक्वेंस कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब मदरबोर्ड में जो भी वोल्टेजेस वगैरह बनना चाहिए वो बन जाना चाहिए पहले, ठीक है। कितना तक? सीपीयू कोर तक। जीएफएक्स नहीं बनेगा, जीएफएक्स एकदम लास्ट में बनता है जब ग्राफिक्स आएगा, ठीक है। तो कोर तक आपका, अगर आपका बोर्ड में जीएफएक्स है, तो मैंने जो पहला वीडियो मैंने डाला है, जो मेरा 600 सब्सक्राइबर्स पे मैंने स्पेशल वीडियो है, ये तो 1000 पे है, ठीक है, तो ये एडवांस है। तो 600 पे मैंने जो डाला है, उधर पे मैंने क्या किया, मैंने डेस्कटॉप के जो भी वोल्टेज वगैरह है उसे मैंने उधर पे बताया। और डेस्कटॉप और लैपटॉप समझो, इंटेल का प्रोसेसर है, इंटेल का पीसीएच है, प्रोसेसर हो सॉरी लैपटॉप हो और डेस्कटॉप हो, वोल्टेज तो सेम ही बनेगा, ठीक है। तो मैंने उधर पे बोला है 55 H55 61 पे, उधर पे आपका ग्राफिक्स का जो कॉयल है वो अलग है, कोर बनेगा उसके बाद ग्राफिक्स। बट फिर से मैंने बताया है 81 में ऐसा लॉजिक नहीं है, ठीक है, इसे आप थोड़ा सा देखो। मेरा ये जो ये आपके लिए ही है, ठीक है, मैं इधर पे ही दिखा देता हूँ। देखो ये पहला दिन का डेटा था, इधर पे आप अगर देखो 55 61, इसका जो वोल्टेज वगैरह का लिस्ट है, इधर पे अगर आप आओगे, देखो देखो सीपीयू कोर, उसके बाद जीएफएक्स है, ठीक है। अगर 81 पे आएंगे, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन, उधर पे आप अगर इसका देखो, इधर पे देखो वी कोर पे आके रुक गया, लिखा हुआ है नो जीएफएक्स इज प्रेजेंट ऑन द फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन 81 का मदरबोर्ड, ओके, ये 81 है, H81, ठीक है। तो बहुत सारा मदरबोर्ड में ऐसा मिलेगा जिसका पावर का जो फॉर्मेशन है वो जस्ट बनेगा कोर तक, ठीक है। तो कोर तक जब पावर आपका बन जाएगा, देन सिस्टम पावर ओके इज क्रिएटेड एंड सिस्टम पावर ओके इज कमिंग टू द पीसीएच। तो इधर से शुरू होता है हमारा पावर का खेल खत्म, और डेटा और पावर का खेल से हमारा फ्रीक्वेंसी का स्टार्टिंग, ओके। तो अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा है, ज़रूर देखो वो वीडियो, नहीं तो ये वीडियो आप मत देखो, ये वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाला है, उसे आप देख लो, उसके बाद ये देख लो, तो आपका ये पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर पे जो हमारा मैंने बताया है, उधर पे हमारा जो VRM पावर गुड है, ठीक है, और हार्डवेयर पावर गुड है, ये मिलके, और PCH पावर गुड, ठीक है, ये मिलके हमारा एक एंड गेट लगा होता है, वो उधर से वो पास कराता है और उधर से वो बनता है सिस्टम पावर, ओके। उसका मतलब दो मिलके एक बनेगा, ठीक है। अगर मैं दिखाऊं, ये पहला दिन का डेटा देख सकते हो, ठीक है, आपके लिए जो पहला दिन का वीडियो, देखो इधर पे है PCH पावर ओके, हार्डवेयर पावर गुड मिलके सिस्टम पावर ओके, और VR रेडी, ये मतलब VRM का पावर गुड, ओके, VRM पावर गुड, PCH पावर ओके, मिलके सिस्टम पावर ओके, तो कोई भी चीज़ हो सकता है। तो इधर पे हमारा ऐसा एक सिस्टम, ऐसा एक टेक्निक बिल्ड किया जाता है, इधर से एक दो का पावर गुड लेके सिस्टम पावर गुड बनाया जाता है, ठीक है। और सिस्टम पावर गुड जो है वो PCH को मिलता है
PCH का पावर मैनेजमेंट सेक्शन को मिलता है। और PCH का जो पावर मैनेजमेंट सेक्शन है वो तभी जो एक्सटर्नल उसका जो एक्सटर्नल समझो, इसे बहुत अच्छे से समझाना है आपको, समझना है, सॉरी समझाएंगे तो मैं हम समझाएंगे, राइट, आपको समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। PCH का एक्सटर्नल 25, मैंने लिखा PCH एक्सटर्नल 25 और 24 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल स्टार्ट ऑसिलेटिंग, ये शब्द आपको मे बी फर्स्ट टाइम सुनने को मिल रहा है और आप जानते हैं बट इसका मतलब नहीं जानते। ऑसिलेटिंग का मतलब है वो वाइब्रेट करना चालू करता है, वाइब्रेशन से फ्रीक्वेंसी बनता है, ठीक है, वो एक वाइब्रेशन है। तो इसे एक्चुअल इन हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग इसे बोला जाता है इसे ऑसिलेशन, ओके, वो ऑसिलेट कर रहा है, ऐसा ऐसे हिल रहा है, ठीक है, वैसा ही होता है क्रिस्टल के अंदर, ओके। तो मैंने क्यों लिखा इधर पे 24 और 25 और क्यों लिखा एक्सटर्नली, आपको बहुत अच्छे से समझ रहा है। आपके पास अगर 55 और 61 का मदरबोर्ड है घर में पड़ा हुआ, 61 तो सबके पास ही होता है, स्क्रैप होता है और ओरिजिनल होता है, आप थोड़ा उसे निकाल के देखो, उसका जो PCH के पास वाला जो क्रिस्टल लगा होता है वो कितना मेगाहर्ट्ज़ का होता है, आपको देखने मिलेगा वो 25 मेगाहर्ट्ज़ का होता है, ठीक है। और जब आप देखोगे 81 और फोर्थ जनरेशन के साथ 81, ठीक है, उसके बाद 110, आप जब देखोगे उधर पे भी PCH के बाजू में क्रिस्टल मिलेगा, ठीक है, उधर पे आपको कितना मिलेगा 24 मेगाहर्ट्ज़ का। तो ये जो हमारा क्रिस्टल है ये ऑसिलेट करना तभी चालू करेगा जब आपका सिस्टम पावर ओके बनेगा, और सिस्टम पावर ओके तब कब बनेगा जब आपका पूरा पावर सीक्वेंस रेडी है। पावर सीक्वेंस के बारे में अगर आपका डाउट है तो आप मेरा पहला वाला वीडियो देखिए जो 700 स्पेशल वीडियो है, ओके, वोल्ट लैपटॉप का वोल्टेज सीक्वेंस एंड कंट्रोलिंग सिग्नल्स के ऊपर, और आज का है वोल्टेज तो बन गया उसके बाद हमारा डेटा फ्रीक्वेंसी का क्या स्टोरी है, ओके, इसके ऊपर ये वीडियो है। तो मैं थोड़ा सा इधर पे एक आपके लिए मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, तो आपको समझने में अच्छा होगा। तो हाथ में बोर्ड मिल गया 61 का मदरबोर्ड, ओके, आप देख सकते हैं 61 ये PCH था, मैंने ओपन कर लिया, ठीक है, कैसा दिखने में होता है मालूम है, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ, इधर पे दिख रहा था कल ही, ये देखो ये आपका PCH, ओके, तोड़ मरोड़ के मैंने निकाला है हॉट एयर से, ऐसे लगा होता है ना हमारा, ऐसे हो गया PCH लगाना और ये हो गया ओपन। तो अगर आप इधर पे देखोगे PCH के एकदम साइड इधर पे आपको मिलेगा 25 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल, आपको दिख रहा है ये देखो 25 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है, परफेक्ट है, दिख रहा है ना भाई, ओके, अगर नहीं दिखता है आप ज़रूर घर में जो भी आपका पड़ा है उसमें आप चेक करो, ठीक है, ये 25 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल होता है, ठीक है, गुड, ये है 61। तो अभी इधर पे इसके हायर जनरेशन का मदरबोर्ड मिला है, ये है 110, चलो 110 में ही दिखा देते हैं। तो इधर पे है 110 का क्रिस्टल दिख रहा है 24 मेगाहर्ट्ज़, देखो 24 का क्रिस्टल, ठीक है, ये दिख रहा है, अगर नहीं दिखता है स्कीमेटिक डाउनलोड करो, ये इसका पार्ट नंबर, स्कीमेटिक डाउनलोड करो, मेरा वेबसाइट पे अवेलेबल, वेबसाइट नहीं टेलीग्राम पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर लो, ठीक है, ये देखो 24, ये देखो ये मिल गया 24 दिखना। तो इसलिए और लिखा है आप जिस मदरबोर्ड में काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तो पहला तो कन्फ्यूजन क्लियर हो गया क्यों 24 है एंड 25 है, ठीक है, इसके बाद जो क्लियरेंस करना है आपको वो है आपका क्यों मैंने लिखा है ये एक्सटर्नल मेगाहर्ट्ज एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, ओके, ये बिकॉज आपका ये है PCH, मैंने ड्राइंग कर लिया, ठीक है, आपके लिए ये है आपका PCH, समझो ये आपका 61 है और 81 है और 110 है, कोई भी PCH हो, ठीक है, ओके। आप अगर AMD के बोर्ड में काम कर रहे हो उधर पे 25 मेगाहर्ट्ज होता है, ठीक है, ये एक मैं चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर नया जनरेशन में कुछ अप डाउन होगा तो आप थोड़ा देख लेंगे PCH के बाजू में उधर पे ही जो वैसा दिखना हुआ जैसा जैसा ये दिख रहा है, इसे आप कुछ पहचान करना है, ये क्रिस्टल
25-24 मेगाहर्ट्ज का होता है ये क्रिस्टल, और ये मैंने ओपन कर लिया क्या, नहीं, ये जो छोटा लंबा वाला क्रिस्टल है ये है हमारा आरटीसी का क्रिस्टल, इसका फ्रीक्वेंसी होता है 32.768 ओके किलो हर्ट्ज का, ये मेगा हर्ट्ज वो किलो हर्ट्ज, तो मेगा हर्ट्ज किलो हर्ट्ज के भी ऊपर है, ठीक है, किलो हर्ट्ज उसके बाद मेगा हर्ट्ज, ठीक है, उसके बाद गीगा, ठीक है, जो हमारा प्रोसेसर में होता है, मैं हम लोग बोलते हैं ना गीगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। चलो, तो एक्सटर्नल का मतलब है हमारा वो बाहर लगा हुआ फ्रीक्वेंस जो ऑसिलेटर है और क्रिस्टल्स है, ठीक है, तो वो क्रिस्टल 25 मेगाहर्ट्ज से वाइब्रेट करना चालू कर देगा जब भी उसे मिलेगा सिस्टम पावर ओके का कंफर्मेशन। तो सीपीयू का ये जो आप सीपीयू देख रहे हो, आप अगर स्कीमेटिक में देखोगे ये बहुत टुकड़ों टुकड़ों में बांटा हुआ है, ठीक है, एक आप एसपीआई कम्युनिकेशन संभाल रहा है, एक आपका एसएम बस संभाल रहा है, एक जो सैटा पोर्ट है उसे संभाल रहा है, ठीक है, तो ऐसे डिवाइड किया गया है पूरा पीसीएच को। तो पीसीएच का एक पार्ट होता है उसे बोला जाता है पावर मैनेजमेंट सेक्शन, पावर मैनेजमेंट सेक्शन में ही आपका सिस्टम पावरों का इनपुट आएगा, ठीक है, तो जब भी सिस्टम पावर ओके उसे मिल जाएगा तब वो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी चालू कर देगा 25 और 24 मेगाहर्ट्ज का। तो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी जब भी चालू हो जाएगा और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी मिलना चालू हो जाएगा पीसीएच को, वो ही इनफ नहीं है, ठीक है, जब भी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी पीसीएच को मिलेगा पीसीएच क्या क्या जेनरेट करेगा इसे आप समझो। देखो इधर पे मैंने लिखा है, एक नंबर पे 33 मेगाहर्ट्ज चार फ्रीक्वेंसी बनेगा, 33 मेगाहर्ट्ज का चार अलग अलग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो चार अलग अलग एरिया में 33 मेगाहर्ट्ज ये यूज कर सकता है। 100 मेगाहर्ट्ज का 10 सप्लाईज यूज होगा, 100 मेगाहर्ट्ज का 10 फ्रीक्वेंसी ये जेनरेट करेगा, ओके, करने का क्षमता है इसमें, ठीक है, ऐसा नहीं है ये 10 ही यूज होगा मदरबोर्ड में, बट इसका क्षमता है, ओके। तीन नंबर पे 120 मेगाहर्ट्ज का एक सिग्नल, ठीक है, 24 मेगाहर्ट्ज का एक सिग्नल, 48 मेगाहर्ट्ज का एक सिग्नल, ये सभी जो है ये आउट है और इंटरनल फ्रीक्वेंसी है, ये इसके अंदर से बनेगा इस क्लॉक फ्रीक्वेंसी के हेल्प से। ये कैसा है मालूम है, जब भी ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगा इसके पास वो आराम से ये सब फ्रीक्वेंसी जेनरेट करता रहेगा, बिकॉज पीसीएच के अंदर में इंटरनली आपका फ्रीक्वेंसी जेनरेटर है जो फ्रीक्वेंसी को जेनरेट करता है, ठीक है। तो ये देखा इनपुट है इंटरनल, सॉरी एक्सटर्नल है, ये है आउटपुट इंटरनल है, ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी, तो ये फ्रीक्वेंसी किधर पे जाता है, इधर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है हम लोग वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट है 33 मेगाहर्ट्ज का जो मैंने बताया चार निकलता है वो हम लोग यूज़ करते हैं यूज़ इन एलपीसी कम्युनिकेशन जो पीसीआई और एलपीसी के बीच होता है, ठीक है, ये कम्युनिकेशन हम लोग आयो पे चेक करेंगे। आयो का पिन नंबर में हम लोग ये कम्युनिकेशन चेक करते हैं जिधर से हम लोग बोलते हैं हाँ हमारा क्लॉक ओके, ठीक है, ये 33 हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, इधर से एलपीसी का कम्युनिकेशन होता है, अगर ये नहीं मिलेगा तो आपका बोर्ड में नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, लो एम्पियर नो डिस्प्ले। फर्स्ट, सेकंड वाला देखो 100 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी 10 जो निकलता है 10 वो 100 मेगाहर्ट्ज का वो जाता है किधर पे, एसएम बस पे, एसएम बस डेटा पे, ठीक है, एंड आई स्क्वायर सी लॉजिक पे, ये एसएम बस का डेटा में हम लोग 100 मेगाहर्ट्ज यूज करते हैं आई स्क्वायर सी लॉजिक में, ठीक है। 48 है हमारा साउंड के लिए, ठीक है, जो साउंड आईसी है उसे चलाने के लिए हम लोग 24 मेगाहर्ट्ज यूज करते हैं, 48 यूएसबी के लिए, 48 है फॉर यूज फॉर यूएसबी, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी इंटरनली बनाएगा कौन, ये पीसीएच, ठीक है। और अगर आप थोड़ा ओल्डर जनरेशन का मदरबोर्ड लेंगे तो क्या होगा, आपका जो अगर फास्ट जनरेशन में ही आप देखोगे तो आपका एक क्लॉक जनरेटर आईसी रहेगा, वो क्लॉक जनरेटर आईसी उधर पे जनरेट करता है, वो क्लॉक जनरेटर आईसी अंदर चला गया पीसीएच के अंदर जब से 61 का बोर्ड आ गया, ओके, 55 जो फास्ट जनरेशन है उधर पे भी आपको क्लॉक जनरेटर आईसी मिलेगा। मैंने जो आपके लिए आज बोर्ड इधर पे सिलेक्ट किया है ये लैपटॉप का एक 55 सीरीज का लैपटॉप फास्ट जनरेशन का मदरबोर्ड है,
तो इसमें ये रहा आपका क्लॉक जनरेटर आईसी, ठीक है, देख के ही हम बता सकते हैं, बिकॉज इधर पे एक 14 आपका मेगाहर्ट्ज का एक क्रिस्टल लगा होता है, ठीक है। इधर से ये आपका आईसी बहुत सारा फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, वो आपके पीसीएच में जाता है और पूरा मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका काम, ठीक है, कौन सा फ्रीक्वेंसी किधर किधर पे जाता है। उसके बाद मैंने इधर पे लिखा है, देखो, ऑलवेज रिमेंबर फास्ट जनरेशन मदरबोर्ड हैज क्लॉक जनरेटर आईसी, जो मैंने अभी बताया, ठीक है। तो आपको रिमेंबर रखना है, जो भी आपका डेटा फ्रीक्वेंसी का खेल है, जब भी आप मदरबोर्ड को देखोगे आपको पहले पहचानना है वो मदरबोर्ड कौन सा जनरेशन से बिलोंग करता है। आप थोड़ा सा अगर स्टडी करोगे ना, तो आप ये पीसीएच का स्ट्रक्चर देख के भी, ये पीसीएच का जो ये मिडिल में जो सिलिकॉन का डाई है ना, इसे देख के ही हम लोग बता सकते हैं ये 61 है, वो 55 है, 58 थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, ऐसे हम बता सकते हैं। चलो, और फोर्थ जनरेशन का भी छोटा एकदम पीसीएच एकदम छोटा हो जाता है, ठीक है, वो सब देख के 110 में ये ऐसा लंबा हो जाता है, ठीक है। ये देखो 110, इसमें अगर मैं दिखाऊं आपको पीसीएच, ठीक है, जो डाई है वो थोड़ा स्लिक लंबा है, ठीक है, बहुत थिन है और लंबा है, ये देखो, ये थिन एंड लंबा, ठीक है। ये 80 कितना है, 110 है, ये देखो 61, तो पूरा चिप देख के ये बता सकते हो, हाँ भाई मेरा ये पीसीएच 110 है, ये पीसीएच 81, ये पीसीएच 61, ये पीसीएच 55, ठीक है, ये नॉलेज का है, आप देखते जाओ सीखते जाओ, ओके। तो इसे आपको रिमेंबर रखना है, फर्स्ट जनरेशन में आपका क्लॉक जनरेटर आईसी रहता है। इधर पे मैंने लिखा है एक नंबर पे इनपुट सोर्स फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज का, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये तीन जनरेशन में इनपुट का जो फ्रीक्वेंसी है, मैंने जो इधर पे दिखाया एक्सटर्नल इनपुट फ्रीक्वेंसी, वो है कितना, 25 मेगाहर्ट्ज। और उसके बाद टू नंबर पे मैंने लिखा है एसओसी बोर्ड, एसओसी का मतलब क्या है, जो लंबा वाला अभी आता है, ठीक है, बोर्ड इधर पे है, एक सेकेंड मैं दिखा देता हूँ, अरे भाई ले जा, इसमें है ना एसओसी, अरे इसमें, ये देखो, ये है एसओसी स्ट्रक्चर का मतलब, ठीक है, ये 110 है, तो ये है प्रोसेसर, ये 110 है, और ये है प्रोसेसर, ये है पीसीएच, एक साथ मिलके हो गया एसओसी, ठीक है, इसे एसओसी स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो पीसीएच और सीपीयू एक साथ आ गया, ठीक है, इसमें पीसीएच दिख रहा है आपको किधर भी, आपको दिखा देता हूँ मैं बोर्ड पूरा, देखो किधर भी दिख रहा है नहीं, राइट। सो ये है हमारा प्रोसेसर, ये है पीसीएच, इसे बोला जाता है एसओसी। तो एसओसी स्ट्रक्चर जो है उसमें आपको मिलेगा फोर्थ जनरेशन से, और आपका फोर्थ जनरेशन ऐसा भी हो सकता है फोर्थ जनरेशन में आपका अलग अलग हो, ठीक है। गेमिंग लैपटॉप आज के दिन पे देख लो, प्रोसेसर अलग है, पीसीएच अलग है, ठीक है। तो आपको जो भी मिले उधर से आपका चालू हो जाएगा 24 मेगाहर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी का क्रिस्टल, ठीक है। इस बोर्ड में ही मैं दिखा देता हूँ, ये बोर्ड है, ये देखो 24 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल, ठीक है, इधर पे आएगा तो बहुत अच्छा है, ये मैं दिख सकता हूँ 24 है, इस साइड से लगा हुआ लिखा हुआ, देखो आप दिख रहा है आपको 24 मेगाहर्ट्ज, 24.00 ऐसा कुछ लिखा होगा, ठीक है, YC2 जो है वो, ओके। तो वही है पीसीएच का, तो पीसीएच को सीपीयू के साथ जोड़ दिया है, तो पीसीएच का जो फ्रीक्वेंसी है वो तो चाहिए, राइट, तो इसे आपको याद रखना है। उसके बाद मैंने नोट किया है इधर पे हमें दो फ्रीक्वेंसी जनरेटर के बारे में आपको थोड़ा सा अवेयर होना है, ठीक है। आपके पास दो ऐसा फ्रीक्वेंसी जनरेटर मिल सकता है जिसे बोला जाता है ब्लू क्लॉक और ग्रीन क्लॉक, ठीक है। ब्लू क्लॉक कैसा होता है, आईसी लगा होता है, उसके साथ एक क्रिस्टल लगा होता है जो होता है 14.183 का मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल, ये डायरेक्टली पीसीएच में जाता है, ठीक है, इसे बोला जाता है, ये स्ट्रक्चर को बोला जाता है ब्लू क्लॉक। और ग्रीन क्लॉक इसे बोला जाता है, ग्रीन क्लॉक एक आईसी होगा, उसके साथ एक क्रिस्टल लगा होगा, और वो आईसी और क्रिस्टल मिलके बहुत सारा फ्रीक्वेंसी वीसीसी वगैरह बनाएगा। क्या क्या बनाएगा, देखो एक नंबर पे बनाएगा आरटीसी का वीसीसी, वीसीसी का मतलब क्या है, जस्ट 3.3 वोल्ट, वो आईसी ही बनाएगा, ठीक है, एलडीओ वगैरह से बनेगा नहीं और हमारा डायोड वगैरह से बनेगा नहीं, इधर से आपका वीसीसी निकलेगा आईसी से,
25 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी निकलेगा, 27 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी निकलेगा और 32.768 का किलोहर्ट्ज़ का ये आरटीसी का फ्रीक्वेंसी है। ओके, आरटीसी का फ्रीक्वेंसी निकलेगा, ठीक है। इसे बोला जाता है ग्रीन क्लॉक, इसे बोला जाता है ब्लू क्लॉक। कैसा दिखने में होगा? एक आईसी, उसके साथ एक क्रिस्टल, फ्रीक्वेंसी होगा 14 मेगाहर्ट्ज़ का, ठीक है। तो इसे आपको ऐसे पहचान करना है, ठीक है, ये आपका इन्फॉर्मेशन के लिए है। उसके बाद मैंने लिखा है नोट, इफ 25 मेगाहर्ट्ज एक्सटर्नल पीसीएच क्रिस्टल इज नॉट वर्किंग वी हैव नो डिस्प्ले, लो एम्पियर, पावर ऑन बट नो डिस्प्ले। सो इस कंडीशन पे आपको थोड़ा सा मैं इस कंडीशन को इलेबोरेट करना चाहता हूँ। अगर समझो आपका जो सिस्टम पावर ओके का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपरली बना नहीं, मोस्ट प्रोबेबली वो बना नहीं कि वीआरएम पावर गुड मिला नहीं और आपका आईओ ने पीसीएच पावर ओके जेनरेट नहीं किया, हार्डवेयर पावर ओके नहीं जेनरेट किया और आपका एंड गेट खराब हो गया और समथिंग के वजह से आपका पीसीएच को नहीं मिला सिस्टम पावर ओके का कन्फर्मेशन, तो आपका एक्सटर्नली जो ये फ्रीक्वेंसी है ये ही नहीं चालू करेगा और ये नहीं चालू करेगा तो इंटरनली सभी फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो जाएगा, उधर पे भी फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगा। आपका मदरबोर्ड ऑन तो होगा बट आपका मदरबोर्ड में नो डिस्प्ले का इशू आएगा और करेंट कंजम्पशन लो में रहेगा। तो अब जब भी 25 मेगाहर्ट्ज़ आप चेक करोगे उधर पे कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगा आपको। तो मदरबोर्ड ऑन होते ही अगर आप 24 और 25 फ्रीक्वेंसी ये जो है क्रिस्टल इधर पे चेक करोगे आपको फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगा। एक दो मिलीसेकंड में आपका पीसीएच को मिल जाएगा आपका सिस्टम पावर ओके का कन्फर्मेशन और पीसीएच तुरंत उसे चालू कर देगा और पीसीएच से निकलना चालू हो जाएगा ये सब इंटरनली जो फ्रीक्वेंसी बनता है उसका डेटा। और ये बनते ही आपका मदरबोर्ड में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसके बाद क्या होगा हम लोग आगे देखेंगे। तो इसे आपको रिमेंबर करके रखना है और इस पॉइंट पे हम लोग बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं नो डिस्प्ले के केस में बायोस करते जाते हैं, ठीक है। बायोस करने से कुछ भी नहीं फ़ायदा है बिकॉज आपका 25 मेगाहर्ट्ज बंद है। तो मैंने लिखा है एट दैट टाइम इफ़ यू डू द बायोस देन इट कुड नॉट वर्क, फ्रीक्वेंसी इज मिसिंग। सो बोर्ड में फ्रीक्वेंसी नहीं बन रहा है, आप उसके उधर पे अगर बायोस करते जाओगे तो आपको उधर पे कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आपको देखना है आपका 25 ओके है कि नहीं, 25 ओके है इसका मतलब पीसीएच ने इंटरनल पीसीएच का जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है वो तो चालू हो गया बट आपको उसके बाद ही देखना है। आप एलपीसी बस पे देख लो, एलपीसी पे चेक कर लो 33 आ रहा है कि नहीं, ठीक है, एक चेक कर लो उससे आप बता सकते हो हाँ उसके इंटरनल भी फ्रीक्वेंसी चालू हो गया है, ठीक है, वो मदरबोर्ड पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अगर आपको इच्छा है तो आप सभी चेक करो, कोई बात नहीं, जस्ट कंफर्मेशन के लिए बोल रहे हैं। देखो रिपेयरिंग के टाइम पे, सीखने के टाइम पे आपका बहुत टाइम देना है, ठीक है, और रिपेयरिंग के टाइम पे आपको वो नॉलेज लगा के टाइम को रिड्यूस करना है बिकॉज आपके पास बहुत सारा मदरबोर्ड आएगा एट ए टाइम, आपको रिपेयर करना है तो आपको जल्दी जल्दी करना होगा। तो आपको ऐसा टेक्निक मैं बता रहा हूँ जिससे आप कन्फर्म 100% नहीं होंगे बट हो जाएंगे हाँ इंटरनली फ्रिक्वेंसी चालू हो गया है। अगर उसके बाद आप अटकते हो तो आप स्टेप बाय स्टेप चेक तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इधर पे आपका क्लॉक का जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो बोर्ड में आपका सिस्टम पावर, पहले पावर फॉर्मेशन एवरीथिंग ओके गया, पावर फॉर्मेशन से आपका सिस्टम पावर ओके बना, सिस्टम पावर ओके से आपका फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी चालू किया पीसीएच का और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से इंटरनल फ्रीक्वेंसी बनाना चालू किया और पूरा मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो सी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट है, सीपीडी, राइट, सीपीडी, उसके बाद आता है हमारा पी, सी कंप्लीट है पी। तो मैंने देखो इधर पे 3 नंबर पॉइंट पे छोड़ दिया था, उसके बाद 3 नंबर को इलेबोरेट किया इतना तक, इसके बाद 4 नंबर पे आ रहा है, सी का कॉन्सेप्ट खत्म। क्लॉक इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एंटायर एमबीडी, एमबीडी का मतलब क्या है मदरबोर्ड, ओके, ये शॉर्ट फॉर्म है मदरबोर्ड का एमबीडी, एंड पीएलटी रीसेट इज क्रिएटेड बाय द पीसीएच। तो जब पूरा मदरबोर्ड में क्लॉक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सभी क्लॉक फ्रिक्वेंसी बन जाएगा, उसके बाद पीसीएच क्या निकलेगा पीएलटी रिसेट। तो पीएलटी रिसेट जो है ये हमारा एक फाइनल, हम लोग इसे बोलते हैं फाइनल रिसेट सिग्नल। ये फाइनल रिसेट सिग्नल क्या करता है एक्चुअली, ये फाइनल रिसेट सिग्नल हमारा जो
सीपीयू है उसे रिसेट, उसे क्या बोलते हैं, उसे रिसेट नहीं, वो ऑटो इनेबल पे डालता है, ठीक है। सीपीयू को पहले स्टेज पे ऑटो इनेबलिंग कर देता है। तो बहुत लोग अगर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, पीएलटी रिसेट के बारे में, तो आपको दिखेगा पीएलटी रिसेट भी कैसे होता है। मैं थोड़ा सा एलिबरेट करना चाहता हूँ इस पॉइंट को। देखो ऐसे एंड गेट पे जा रहा होगा, एंड गेट का दो पॉइंट एक पॉइंट से कनेक्टेड होगा और ऐसे निकल जाएगा। इधर पे जाएगा पीएलटी अंडरस्कोर रिसेट हैश, ये इधर पे आ गया, और इधर पे निकलेगा सीपीयू अंडरस्कोर बीयूएफ, इसका मतलब बफर अंडरस्कोर आरएसटी। एक्चुअली ये बहुत लोग नहीं बताते हैं, ठीक है। आपको मोस्ट ऑफ द वीडियोस में, अगर आप बहुत सारा कोर्स वगैरह करेंगे, वीडियो नहीं कोर्स वगैरह करेंगे तो उधर पे आपको मिलेगा, वो बताएंगे पीएलटी रिसेट इज द फाइनल रिसेट। बट पीएलटी के बाद क्या है, पीएलटी के बाद एक्चुअली वो फिर से एक क्या बोलते हैं, इसे कॉन्वर्शन ही बताओ ना, ये क्या है, जस्ट सिग्नल को ऐसे नॉर्मली ट्रांसमिट कर सकता है, नहीं किया, एक एंड गेट लगा दिया, एंड गेट फेल हो जाएगा, सीपीयू रिसेट बंद हो जाएगा, तो ऑटो एनेबल नहीं डालेगा, फ्रीक्वेंसी बन के बोर्ड बंद हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड का बंद नहीं होगा, बोर्ड का डेटा आगे नहीं जाएगा, तो उसके बाद ही ना डेटा बनेगा। तो पीएलटी रिसेट का जब भी चेक करो, पीएलटी रिसेट को थोड़ा देख लो, वो डायरेक्टली सीपीयू पे जा रहा है और बफर रिसेट के साथ सीपीयू पे जा रहा है, ठीक है। तो ये है सीपीयू बफर रिसेट। तो जब भी हमारा क्लॉक बन गया, उसके बाद हमारा पीसीएच पीएलटी रिसेट आउट कर दिया, पीएलटी रिसेट हमारा सीपीयू को रिसेट किया, सीपीयू को ऑटो एनेबल पे डाल दिया, और उसके बाद जब भी ऑटो एनेबल हो जाएगा सीपीयू क्या करेगा, डायरेक्टली रीड करेगा आपका बायोस, जो मेन बायोस है, पीसीएच बायोस जिसे बोला जाता है, ठीक है। मैंने देखो इधर पे लिखा है पॉइंट नंबर 5, पीएलटी अंडरस्कोर आरएसटी हैश इज ऑटो इनेबल द सीपीयू, तो मैंने भी लिखा है, बिकॉज यही एक्चुअली बुक में पढ़ाया जाता है। बट आपका जो डेटा आपको इधर पे मैं सिखा रहा हूँ, उधर पे आपको मैं प्रैक्टिकल भी क्या होता है वो भी बता रहा हूँ, और उधर पे क्या प्रॉब्लम मिलेगा वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। इसके बाद बहुत सारा प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया है, ठीक है, आप रुक जाओ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है भाई, ठीक है। अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा चीज़ है, थोड़ा सा सीख लो, लैपटॉप रिपेयरिंग डेस्कटॉप रिपेयरिंग ना बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, आप सो के भी रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अरे नहीं नहीं उतना इजी नहीं है भाई, मैं भी अटक जाता हूँ आज भी, उतना इजी नहीं है बट इजी हो जाएगा, ठीक है, ज़रूर इजी होगा, ठीक है। चल तो ये है पीएलटी रिसेट का स्टोरी। तो पीएलटी रिसेट ऑटो इनेबल करेगा आपका सीपीयू, सीपीयू स्टार्ट रीडिंग द बायोस, तो बायोस को रीड करना वो चालू कर देगा, भाई डेटा दे भाई क्या करना है, कैसे करना है, क्या इसका बायोस, क्या फ्रीक्वेंसी से हमारा वो क्या है प्रोसेसर को एक्टिवेट करना है, वीआईडीज एक्टिवेट करना है, वो सब का इंफॉर्मेशन सभी पीसीएच क्या करेगा बायोस से लेता रहेगा, और नाउ डेटा इज क्रिएटेड। सो क्या हुआ, पहले मैंने जो इधर पे लिखा था क्लॉक डेटा रिसेट, वो क्या आपका सीक्वेंस है, नहीं है, ये है आपका सीक्वेंस, एक क्लॉक दो पीएलटी तीन डेटा। तो एक क्लॉक बना, क्लॉक बन गया बोर्ड में, ये सभी क्लॉक बन गया, उसके बाद क्या हुआ रिसेट बना, उसके बाद क्या हुआ पीसी, ये रिसेट बना तो डेटा का आदान प्रदान चालू हुआ, राइट। सो अभी आते हैं हम लोग बायोस पे। बहुत लोग मैंने देखा है इंस्टीट्यूट वगैरह में ऐसा बताते हैं, तो आपको बायोस चेकिंग करना सिखाएगा विद द हेल्प ऑफ डीएसओ, तो आपको मैं खुद सिखा देता हूँ क्या होता है डीएसओ के हेल्प से, ठीक है। मैं इधर पे पढ़ाऊँगा, उसके बाद प्रैक्टिकल करूँगा। पहले देखो एक नंबर पिन जो है बायोस का, ठीक है, ये पीसीएच का बायोस है, इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो ये बोर्ड पीसीएच का बायोस क्या है, ये बोर्ड है, ये पीसीएच है, मैंने थोड़ा सा एक थर्मल पैड लगाया है और कुछ नहीं, ठीक है। कैसा दिखने में है आपको दिखा देता हूँ, 55 का चिप, ओके आ जाए बेटा निकल जा, ये देखो कितना छोटा है, ये कंप्लीट, ओके इतना छोटा है, तो 61 का मुकाबले देखो ये छोटा है, राइट।
इससे बता सकते हैं हम लोग कि ये 55 है, ऐसे ही हम लोग डिटरमाइन करते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ये थोड़ा हीट होता है इसलिए मैंने लगाया, अगर आप नहीं लगाओगे तो भी आपका काम चलेगा, बट इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो हीट का हीट के साथ एकदम भी दोस्ती नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसे कूल डाउन रखो। ठीक है, इसमें आप लोग बहुत सारा टेस्टिंग करेंगे इसलिए इसे ऐसे मैंने ओपन करके लेके आ गया लैपटॉप से। सो चलो मैं क्या बता रहा था भाई, मैं ही भूल गया क्या बता रहा था। ओह, पीसी बायोस के बारे में, राइट। अरे यार, तो ये हमारा पीसीएच के लगा हुआ, पास में लगा हुआ ये पीसीएच बायोस, ओके। इसे बोला जाता है मेन बायोस, जिसमें एमी रिजियन का डेटा होता है। एमी इसका मतलब ये पीसीएच का डेटा वगैरह होता है, ठीक है, इसलिए पीसीएच बायोस बोला जाता है। ये हमारा आयो, और आयो के पास में फिर से एक बायोस, इसे बोला जाता है ईसी बायोस। ईसी, इसे भी ईसी बोलता है, इसके मतलब क्या है, ईसी रिसेट बोलते हैं ना हम लोग। ईसी रिसेट सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट होता है नो पावर में, बहुत। एक बार आपको चेक करना है डीओसओ से ईसी रिसेट, अगर आपको ईसी रिसेट नहीं मिलेगा, ग्लिच मिलेगा और नहीं मिलेगा, तो आपका बोर्ड पूरा पावर ऑन ही नहीं होगा, पूरा खेल ख़त्म हो जाएगा बोर्ड का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल, जस्ट एक वोल्टेज पुल अप होता है उस पर और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये है आपका ईसी बायोस। ईसी का फुल फॉर्म क्या है, एम्बेडेड कंट्रोलर। तो ये है ईसी बायोस। तो ईसी बायोस का जो खेल है, अब हमारे पास ऐसा मदरबोर्ड आता है, समझो बहुत अच्छे से समझो, मदरबोर्ड आता है, मदरबोर्ड नॉट पावर ऑन हो रहा है, ठीक है, नॉट पावरिंग हो रहा है, ठीक है, नॉट ट्रिगरिंग हो रहा है, सिंपल। नॉट ट्रिगरिंग के केस पे हम लोग देख लिया क्रिस्टल ओके है, हैन तेन आर टी सी वगैरह ये वो चेक कर लिया, 19 5 3 5 एल डी ओ वगैरह सब चेक कर लिया। ठीक है, बोर्ड फिर भी नहीं ट्रिगर हो रहा है, ठीक है, ऐसे कंडीशन पे हम लोग छेड़ बैठते हैं बायोस को, ओके। और बायोस छेड़ते भी है तो ये बायोस को छेड़ बैठते हैं, अरे ये कौन सा काम कर रहा है, ये तो पीसीएच का डेटा वगैरह है भाई, वो पावर ऑन के बाद उसका खेल है। बायोस कब रीड करेगा, जब पीएलटी रिसेट, पीएलडी वेफर रिसेट, जब सीपीयू को मिलेगा, सीपीयू ऑटो एनेबल पे जाएगा तब रिसेट। तो पावर ऑन से पहले इसका कोई भी फंक्शन नहीं है, पावर ऑन का जो काम है वो आयो करता है, और ये आयो भुलक कर आयो है, इसके मेमोरी नहीं है इसके अंदर, ये भुलक कर है, इसके लिए इसका सपोर्टिंग भाई लगा दिया है, भाई तू एक एक्सटर्नल मेमोरी रख ले, तू तो अकेला काम नहीं कर सकता, तू डफर है। ठीक है, तो ये डफर आयो इसके साथ मिलके काम करता है, तो अगर ये डफर आयो के साथ ये बायोस भी डफर हो जाएगा और इसका भी डेटा करप्ट हो जाएगा, तो आयो को प्रेस करोगे पावर बटन, इधर पे हाई लो हाई का सीक्वेंस बनेगा, ओके, एनबीएस पे और पावर ऑन इन में। ठीक है, बट वो उसे पता ही नहीं है उसको वो हाई लो हाई सीक्वेंस से क्या करना है, बिकॉज उसके पास मेमोरी नहीं है, वो तो डफर है। तो डफर का जो आईसी है वो है ये, इसमें आपका 128 केबी का बायोस का ईसी बायोस डला हुआ है, जो ईसी को कैसे काम करना है उसका डेटा है इस पे, और वो पीसीआई एसपीआई पाथ में कम्युनिकेशन करता है एसपीआई से। ठीक है, मैं ये बाद में आऊँगा, कम्युनिकेशन इसमें है, कम्युनिकेशन। सो इसे आपको ध्यान रखना है। तो मैं अभी जो बात बता रहा हूँ वो है मेन बायोस के बारे में, ये आपका मेन बायोस। ठीक है, तो अभी बहुत सारा मदरबोर्ड में आप लेनोवो का ले लो, इधर पे मैंने ओपन कर दिया, ये शॉर्ट था ये लेनोवो का। ठीक है, ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देखो ये पिक्चर अगर आप देखोगे ऐसे, और इधर पे आयो लगा है, वही मेरा चैनल का लोगो है जो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये यही बोर्ड है। इंटरेस्टिंग, ओके, आई थिंक इंटरेस्टिंग। जो अगर आप ये देखोगे तो इधर पे भी आपका आयो था, लेनोवो का आईटी का 8685 का आयो लगता है इस बोर्ड में। ठीक है, ये एनएम का B51 है मोस्ट प्रोबेबली, आई डोंट थिंक सो, मैं भूल बोल रहा हूँ, यस B51 है, देखो। ठीक है, सो इधर पे जो आयो लगता है वो है 8586 का आयो, 86E का आयो। तो वो क्या है, वो है इंटरनली उसके अंदर, वो डफन नहीं है, वो उसके इंटरनली उसके अंदर में एक मेमोरी है, जो आपका बाहर में था जो इसी का, वो इस इधर पे मैंने दिखाया जो आयो के पास में लगा हुआ है, वो इसके अंदर घुसा दिया था।
और हम लोग इस कीबोर्ड कनेक्टर से हम लोग इसे प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा बोर्ड आए नॉट ट्रिगरिंग, एवरीथिंग ओके, और आपको आईओ चेंज करने से पहले आपको ज़रूर प्रोग्रामिंग करना है, और इस केस में आईओ चेंज करने से पहले आपको ज़रूर ये बायोस को एक बार रिप्रोग्राम करना है अच्छा वाला इसी बायोस से, ठीक है। अच्छा, इसी बायोस से मत और मेन बायोस से एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, आपके पास बहुत सारा मदरबोर्ड आ रहा है, ठीक है, आप रिसीव कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, कोई रिपेयर हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, मेरे साथ भी बहुत सारा होता है। बट उसका जो बायोस है, जस्ट ऐसा एक क्लिप आप खरीद के रखो, ये मेरा पुराना प्रोग्रामर, मैं जब बिगिनर पे था मैं भी यही इस्तेमाल करता था, तो ऐसा एक क्लिप खरीद के रखो, आईसी के ऊपर लगाओ, और ये लगा के प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर इसका एक बैकअप ले लो, वो बैकअप आप ग्रुप में डाल दो, आपके पास रख लो, जब ग्रुप में लगेगा तब डाल देना, और आप पहले भी डाल सकते हो, अगर कोई बंदा सर्च करेगा तो उसे मिल ही जाएगा। इसी बायोस ऐसे लिखना है, इसी समझो ये आपका बोर्ड है, ठीक है, ये आपका बोर्ड है, तो बोर्ड का मॉडल नंबर आपका इधर पे है, ओके, इधर पे ये देखो, ये 6050A235 2355202-MB-0A03-11, बहुत भीग नाम है, इसके बाद लिखो ईसी बायोस और मेन बायोस, ठीक है। ऐसे करते जाओ, बहुत अच्छा एक हेल्प हो जाएगा, मेरा भी कभी हेल्प हो जाएगा, आपका भी कभी हेल्प हो जाएगा, ठीक है, ये बहुत अच्छा चीज़ है, अब करो तो एक बार करके देखो भाई, एक बार ना करके देखो, ये बहुत अच्छा चीज़ है। आप लोगों को ना जब आप फंसोगे ना तब आपको मालूम पड़ेगा, हाँ भाई मैं भी कर देता तो आज वो बंदा कर देता, तो सबको आगे आना है, हाँ एक बंदा आएगा सभी पीछे रह जाएंगे, सभी बोलेगा नहीं भाई मेरा तो बहुत, आप समझो मेरा पूरा मदरबोर्ड में, ये देखो इधर पे देखो, इस बार इसमें रुकता हूँ, ये मैंने स्कीमेटिक खोल के रखा है इस बोर्ड का, ठीक है, मैं इसे स्मॉल कर देता हूँ, ये आपके लिए पढ़ाई के लिए लगेगा। तो इधर पे है बायोस डेटा, ये पूरा गया है उसमें, और इधर पे है सॉफ्ट, इधर पे है वर्क, सॉफ्टवेयर पे सॉफ्ट है, वर्क पे मैं जा रहा हूँ, इधर पे मैं स्कीमेटिक पे जा रहा हूँ, इधर पे जितना सारा स्कीमेटिक है ये मेरा पूरा कलेक्शन है, ठीक है, 2078 पे स्कीमेटिक पूरा ऑल्ट कंट्रोल ए करके पूरा मैंने अपलोड कर दिया। इधर पे बहुत सारा ऐसा स्कीमेटिक है ना जो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब बताओ, अगर मैं ऐसा सोचता भाई क्यों दूंगा, क्या मिल रहा है मुझे यूट्यूब से, पैसा तो एक पैसा नहीं मिलता, आपको अगर ऐसा लगता है पैसा मिलता है, नहीं है भाई, इतना इजी नहीं है, मोनेटाइजेशन बहुत दूर है यार, जब मोनेटाइजेशन भी हो जाएगा तब भी आप समझो एक वीडियो का 10 रुपये भी नहीं आएगा, ठीक है, 10 रुपये तो हम बिस्कुट खाने में ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, सुट्टा दारू नहीं पीते इसलिए बताया बिस्कुट खाने में, ठीक है, ऐसा मत समझो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब पैसा बिजनेस में ही लगता है और फैमिली में लगता है। चलो तो मेन बायोस में आते हैं, तो DSO से चेक करने के लिए आपको मेन बायोस का क्या ओके है कि नहीं, बहुत लोग ये बताते हैं कि कैसे DSO से चेक करेंगे, तो आप वही बताएंगे हम, तो इसे चेक करने के लिए आपको पिन को एकदम रिमेम्बर करना है, ठीक है, पिन क्या क्या है, एक नंबर पिन पे है CS, इसका जो फुल फॉर्म वगैरह है मैंने पीछे लिखा है, आपको मैं बताऊंगा, CS इसका मतलब है चिप सेलेक्ट, बायोस सेलेक्ट हुआ कि नहीं। पहले आप अगर DSO से इधर पे पॉइंट पे टच करेंगे तो देखेंगे, पहले कुछ हरकतें दिखाई देगा, डेटा आएगा, उसके बाद फिर से हरकतें आएगा, ठीक है, पहला जो हरकतें आया, जो डेटा आया, हरकतें मीन्स डेटा, ओके, ये सब अगर मेरा इंजीनियरिंग दोस्त वगैरह सुन लेगा ना मुझे गोली से उड़ा देगा हरकतें चलो हरकतें वगैरह कुछ भी नहीं, ऐसे एक्चुअली क्या बताऊँ, बहुत लोग ना, मैं अगर बहुत टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करूँगा तो बहुत लोग उसे अच्छे से समझ में नहीं पाएंगे, ठीक है, तो इसलिए मैं बताता हूँ, उधर पर डेटा आएगा, तो जब भी डेटा आएगा आपका पहली बार वो है चिप सिलेक्ट, बायोस सिलेक्ट हो गया CPU के द्वारा, उसके बाद
रैम रीड होगा और होगा रैम सिलेक्ट, तो बंद फिर से हरकते, ओके डेटा, और आ जाएगा आपका रैम सिलेक्ट। तो रैम भी रिकॉग्नाइज कर लिया सीपीयू ने, आप इधर पे टच करके उसे पता कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है DOSO, इसका मतलब है डेटा आउट सिस्टम आउट, ठीक है। मोस्ट आप इसे समझो ये डेटा आउट के लिए है, तो डेटा आउट तो बाद में आएगा, पहले तो डेटा इन आना चाहिए, तो डेटा इन खुद ढूंढते हैं। WP राइट प्रोटेक्ट, ये वोल्टेज है इधर पे 3.3 वोल्टेज आना ही चाहिए, नहीं तो BIOS एक्टिवेट नहीं होगा। DISI ये है डेटा इनपुट सिस्टम इनपुट, तो डेटा इधर से आएगा इधर से निकल जाएगा, तो आपको चेक करना है डेटा आउटपुट हो रहा है कि नहीं, डेटा इनपुट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। इनपुट हो रहा है आउटपुट नहीं हो रहा है, आपका BIOS ख़राब है, इसे रिप्लेस करो और IC को चेंज करो, ठीक है। क्लॉक पे आपको क्लॉक मिलेगा, आ रहा तेरा क्लॉक, ठीक है, कैसा दिखता है, सभी पीछे में है, रुक जाओ। होल्ड रिसेट IO/O3 03 बहुत कुछ लोग बोलते हैं, तो ये जो है ये हमारा 3.3 सिग्नल आना चाहिए, नहीं तो ये BIOS एक्टिवेट नहीं होगा, और इधर पे ये एक्चुअली होल्ड पे रह जाएगा, अगर 3.3 नहीं आएगा ना तो ये होल्ड हो जाएगा और रिसेट हो जाएगा। तो इधर पे 3.3 चाहिए, राइट प्रोटेक्ट पे 3.3 चाहिए, VCC पे 3.3 चाहिए, तीन पिन पे 3.3, चार नंबर पिन ग्राउंड, चिप सिलेक्ट पे आपका पहले आया फ्रीक्वेंसी, तो आपका चिप सिलेक्ट हो गया। रैम ओपन करके अगर देखोगे तो उसके बाद और कोई हरकतें नहीं आएगा, ठीक है, हम लोग सभी देखेंगे। डेटा आउट डेटा इन पे हमारा क्लॉ हमारा आएगा डेटा, कैसा दिखने में होता है वो भी हम लोग बताएंगे, कोई चिंता नहीं है। आ गया पिन डिटेल्स विथ ग्राफिक्स, ठीक है, सॉरी ग्राफिक्स क्या भाई, ग्राफ, हाँ ग्राफिक्स, ग्राफिक्स बनेगा क्या, ग्राफ। सो पिन डिटेल्स जो है वो मैंने बता दिया, और पिन का भी एवरी नेम को हम लोग थोड़ा सा इलेबरेट करते हैं। CS का मतलब है चिप सिलेक्ट, एक नंबर पे होगा चिप सिलेक्ट, दो नंबर पे होगा रैम सिलेक्ट। हम लोग क्या करेंगे, DSO का प्रॉब उधर पकड़ के DSO देखते रहेंगे, ठीक है। पहले एक बार डेटा आएगा, हम लोग बताएंगे हाँ भाई हमारा CPU के द्वारा जो BIOS है वो सिलेक्ट हो गया है, दूसरी बात आएगा तो रैम भी सिलेक्ट हो गया है। जब भी आपका नो डिस्प्ले का केस है ये सब आपको चेक करना ज़रूरी होता है, ठीक है, किधर पे अटक रहा है बोर्ड उसे आपको फाइंड आउट करना है ना। दो नंबर पे डेटा आउटपुट है सिस्टम आउटपुट, इसे बता देता है डेटा आउटपुट सिस्टम आउटपुट, ये डेटा आउटपुट के लिए यूज़ होता है। और फ्रीक्वेंसी जो है इसमें जो दिखने वाला फ्रीक्वेंसी है वो ऐसे दिखता है, स्क्वायर वेव में मिलेगा, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करता हुआ मिलेगा, ओके, ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम के बीच में थोड़ा ड्यूटी साइकिल का डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद राइट प्रोटेक्ट, इधर पे 3.3 पावर चाहिए, ये आप वोल्टेज से चेक करो, मल्टीमीटर से कोई दिक्कत नहीं, ग्राउंड तो ग्राउंड है, ऑफकोर्स ग्राउंड से भी चेक कर लो ग्राउंड कनेक्टेड है कि नहीं, ठीक है। बहुत टाइम ऐसा होता है ग्राउंड को हम लोग चेक ही नहीं करते और ग्राउंड अंदर से सरा हुआ है, ग्राउंड प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, ग्राउंड के साथ रेजिस्टेंस हो गया है, ऐसे मैंने देखा है IO में, IO प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। IO का ये भी एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, IO का जो पिन है उसमें अगर IO का एकदम मत्थे पे देखोगे, ठीक है, एकदम मत्थे पे, एक समझो ये IO का डेटा शीट में दिखा रहा है, इधर पे देखोगे मत्थे पे ये मत्थे ही बोला जाता है, हेड पे, ओके, बहुत सारा 3.3 से कनेक्टेड होता हुआ लाइन होता है, ठीक है। हम लोग एक टच करके देख लेते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है भाई, वो ऐसा इधर पे दिख रहा है वो कनेक्टेड है, बट अंदर से ना थीन थीन पैड से वो कनेक्टेड होता है। बहुत टाइम मैंने देखा है वो अंदर से कट गया तो LPC का लाइन बंद हो गया, वो एक एक लाइन एक एक जगह पे जा रहा हो, तो इधर पे एक एक लाइन एक एक जगह पे जाता है, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है जो सभी लाइन पे 3.3 LDO आ रहा है कि नहीं, और VS का सप्लाई, कॉयल का सप्लाई जो भी है, तो इसमें भी आपको चेक करना है ग्राउंड। उसके बाद है DISI, ये है डेटा इनपुट एंड सिस्टम इनपुट, ठीक है। तो इधर से डेटा इनपुट होगा, इनपुट का डेटा दिखने में कैसा होता है, बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड होता है ईच अदर से, ओके। तो इसका जो ड्यूटी साइकिल है बहुत क्लोज होता है, देखो ये देखो और ये देखो, ठीक है, ये सब हम लोग ऑफकोर्स DSO में देखेंगे।
क्लॉक तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज है, इधर पे क्लॉक आएगा और 7 नंबर पे होल्ड, मैंने बताया ये 7 नंबर पिन, ये होल्ड रीसेट एंड I/O3, इधर पे भी हमारा पावर आएगा ठीक है, और VCC पे भी पावर आएगा। ओके गुड, तो आपका BIOS का भी आपका देख लिए आप लोग कैसे आपका काम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे BIOS का, पहले तो ये सब देख लेंगे जो हमारा चिप सिलेक्ट रैम सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं। ओके उसके बाद देखेंगे राइट प्रोटेक्ट होल्ड एंड VCC पे 3 वोल्टेज प्रेजेंट है कि नहीं 3.3। उसके बाद देखेंगे 2 और 5 पे डेटा इनपुट डेटा आउटपुट और क्लॉक ठीक है गुड। चलो अभी इधर पे आते हैं, तो इधर पे मैंने लिखा है सो फॉर नो डिस्प्ले वी हैव टू चेक एक नंबर आफ्टर पावर, इसका मतलब है जब पावर आपका हो जाएगा, पावर सीक्वेंस कंप्लीट हो जाएगा ठीक है, पावर बन जाएगा उसके बाद हमें चेक करना है LPC क्लॉक ठीक है और PCI क्लॉक जो 33 मेगाहर्ट्ज़ से DSO से चेक होगा। 2 नंबर पे चेक होगा PLT रीसेट जो 3.3 होगा। ओके PLT रीसेट आपका IO में भी है और आपका जो वाईफाई मिनी वाईफाई कार्ड है उधर पे भी है ठीक है। BIOS का इनपुट आउटपुट डेटा और LPC का डेटा, इसे ये जो पिन होता है उसे बोला जाता है LED, LED LED 0 LED 1 ऐसा करके होता है, उधर भी LPC का डेटा मिलेगा। तो हम लोग LPC का डेटा चेक करेंगे, LPC का क्लॉक चेक करेंगे, PLT रीसेट चेक करेंगे, BIOS का इनपुट आउटपुट चेक करेंगे ठीक है। अभी चलो कम्युनिकेशन पे आते हैं ठीक है। तो कम्युनिकेशन में अगर हम देखेंगे, मैंने लिखा है रिमेंबर दिस PCH to IO ठीक है। तो मैं बोर्ड ले लेता हूँ, इसके हेल्प से मैं समझाता हूँ आपको ठीक है भाई। यस धीरे करते हैं बिकॉज बोर्ड अलाइव है, बोर्ड को डैमेज करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। PCH to IO इसका मतलब PCH के साथ IO का कम्युनिकेशन, इधर से इधर का डेटा का कम्युनिकेशन जो होता है वो किधर से होता है, कैसे होता है। कम्युनिकेशन होता है ऑकर्स, कम्युनिकेशन ऑकर्स थ्रू LPC बस। तो इधर पे जो भी है वो LPC बस के थ्रू कम्युनिकेटिंग करता है ठीक है। LPC बस जो LPC क्लॉक और LPC डेटा है ठीक है, वो PCH से IO के बीच में कम्युनिकेशन का रास्ता है। PCH से BIOS के बीच में रास्ता, PCH से BIOS, ये PCH से ये BIOS, जो मैं PCH का BIOS वो होता है SPI बस कम्युनिकेशन के थ्रू ठीक है। ये होता है SPI के थ्रू। इधर पे मैंने कुछ लिखा है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। नाउ द पी सॉरी ऑन द PCH SPI कम्युनिकेशन लाइन देयर वॉज 2 रजिस्टर प्रेजेंट ऑन द BIOS डेटा इनपुट और सिस्टम इनपुट DISI लाइन एंड BIOS डेटा आउटपुट और सिस्टम आउटपुट DOSO लाइन। इसका मतलब क्या है, मतलब है मैंने जो इधर पे दिखाया पिन नंबर 2 डेटा आउटपुट सिस्टम आउटपुट, पिन नंबर 5 डेटा इनपुट सिस्टम इनपुट, इस दोनों लाइन पे हम लोग बहुत टाइम देखते हैं 2 रजिस्टर कनेक्ट होता है। वो रजिस्टर होता है लो वैल्यू का, 0 15 ओम 45 ओम 65 ओम ऐसा कुछ लो वैल्यू का। ओके 100 नहीं 50 से बिलो ही देखने को मिलता है, 0 भी ज़्यादातर देखने को मिलता है। वो जो रजिस्टर है वो डायरेक्टली, ये जो कनेक्शन है इनपुट और आउटपुट का डेटा, ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है किसके साथ, PCH के साथ। बिकॉज मैंने इधर पे बता दिया PCH के साथ इसका कम्युनिकेशन है SPI बस कम्युनिकेशन के थ्रू। तो डेटा इनपुट डेटा आउटपुट जो हो रहा है वो बस कम्युनिकेशन यूज़ कर रहा है SPI का और वो PCH से कनेक्टेड है इनपुट और आउटपुट। तो इस जगह पे भी आप अगर देखोगे तो इनपुट आउटपुट लाइन पे आपको 2 रजिस्टर मिलेगा, इनपुट के लाइन पे 1 आउटपुट के लाइन पे 1। दिस 2 रजिस्टर हैज़ अ लो वैल्यू विथ वेरी लो टॉलरेंस लेवल। टॉलरेंस का मतलब है आपके पास अगर कोई भी रजिस्टर हो जो नॉर्मल रजिस्टर होता है ठीक है, मैं इधर पे दिखा देता हूँ। एक रजिस्टर आप ले लो, समझो ये रजिस्टर। ओके आपको दिख रहा है ये रजिस्टर, ये रजिस्टर का लास्ट में, चलो मैं बाहर निकल के ही आपको दिखा देता हूँ ठीक है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये जो लास्ट में जो गोल्डन वाला पैड है ना, इसे टॉलरेंस बोलता है। टॉलरेंस का मतलब क्या है, कितना
प्लस और माइनस ये होगा तो भी चलेगा। गोल्ड का मतलब है हमारा फाइव परसेंट, ओके, अप डाउन 5%। तो 1 ओम का रेजिस्टर जो है उसके साथ आप पकड़ लो 5% अप होगा और डाउन होगा, फिर भी वो रेजिस्टर इस लाइन में चल जाएगा। वो टॉलरेंस होता है कितना हम लोग टॉलर, मतलब हम लोग एक आदमी हमें बहुत सता रहा है, ठीक है, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, हम लोग बोलते हम लोग बहुत टॉलर कर लिए, इसके बाद हम लोग नहीं टॉलर करेंगे। टॉलर का मतलब है शोध, जो बंगाली में हमरा बोलते हैं शोध जो, ठीक है, जिसके बोले होते बोलते हैं कितना हमारा क्षमता है उसे सहन करने का, ठीक है। तो ये सहन करने का जो क्षमता है इसमें वो 1% है। तो समटाइम हम लोग देखते हैं इस लाइन पे 1% का टॉलरेंस लगा हुआ होता है और मोस्ट प्रोबेबली वो 1 ओम का 0 ओम का रजिस्टर। आप अगर समझो बहुत टाइम हमें देखने को मिलता है, इधर पे आप देखो ये जो छोटा छोटा रजिस्टर है, ठीक है, ये रजिस्टर पे रस्ट वगैरह आ जाता है और रस्ट आने पे ये टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है, रजिस्टर का वैल्यू शिफ्ट करता है। और ऐसा कंडीशन पे आपका सब कुछ सही होने के बावजूद भी आपका डिस्प्ले में प्रॉब्लम आएगा, नो डिस्प्ले का केस बनेगा, बिकॉज आपका वो लाइन जो आपका कम्युनिकेशन लाइन है वो कोरप्टेड हो गया, वो लाइन आपका डैमेज हो गया। तो ये मदरबोर्ड में आपको लाइन, जब भी आप एडवांस पे काम करेंगे, वोल्टेज वगैरह बन गया, आपका डेटा फ्रीक्वेंसी भी बन गया, पीएलटी सेट बन गया, फिर भी आपका अटक रहा है बोर्ड, आपका डेटा का कम्युनिकेशन लाइन आपको 100% छानबीन कर लेना है, ठीक है, पूरा सर्जिकल स्ट्राइक डाल दो उधर पे, ठीक है, पूरा बोर्ड वगैरह साफ करो, ऐसा वो सर्जिकल ब्लेड ले लो और स्क्रैच करके करके पूरा ट्रैक वगैरह चेक करते रहो, अंदर से सरा तो नहीं रजिस्टर का, एक एक वैल्यू ओके है कि नहीं, ये आपको चेक करना है, ठीक है। ये नोट कभी भी कोई नहीं बताएगा भाई, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ है, ये हम लोग करके सीखे है, ठीक है। दिस रजिस्टर कैरी डेटा विथ हाई फ्रिक्वेंसी, डेटा भी कैरी करता है, हाई फ्रिक्वेंसी कैरी करता है, ठीक है। दे टेंड्स टू ब्रेक, ये ब्रेक होने का चांसेस रहता है इसमें, ब्रेक का मतलब है रजिस्टर खराब होना, ठीक है। मींस वैल्यू शिफ्ट, इसका मतलब है रजिस्टर का जो वैल्यू है वो शिफ्ट करता है, 1 ओम से हो गया 10 ओम, हो गया आपका कम्युनिकेशन बर्बाद, ठीक है। इसे आपको बहुत इंपॉर्टेंटली मेजरमेंट करना है। हमें बहुत टाइम देखने को मिलता है आयो पीसीएच से आयो के बीच जो आपका एलपीसी और पीसी एलपीसी कम्युनिकेशन है उधर पे प्रॉब्लम, बायोस के बीच प्रॉब्लम, एफडीआई पाथ पे प्रॉब्लम, डीएमआई पाथ पे प्रॉब्लम, जो आपका ग्राफिक्स वगैरह का है, ठीक है। तो इस पे बाद ही वो है एफडीआई डीएमआई, ये क्या है आपको बताता हूँ। तो सीपीयू और पीसीएच के बीच, सीपीयू के बीच और पीसीएच के बीच जो कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन हैपन थ्रू डीएमआई एंड एफडीआई पाथ, ओके, इसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद सीपीयू के साथ रैम का कम्युनिकेशन, सीपीयू रैम, इसके साथ आपका कम्युनिकेशन हैपन थ्रू एसएम क्लॉक, एसएम डेटा, इस इधर पे बहुत लोग रुक जाते हैं, नहीं, सीपीयू रिसेट, रैस कैश, ठीक है, ये रैस, ये कैश, रैस कैश एंड राइट एनेबल, ओके, ये सब भी कम्युनिकेशन पे अंडर में आता है जो सीपीयू से रैम की तरफ होता है। मैंने जो ये मार्किंग किया है बोथ साइड एरो, इसका मतलब है दोनों साइड कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन एक तरफा नहीं होता है। राइट नाउ मैं एक तरफा कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप मुझे कुछ नहीं बता सकते, बट अगर ये लाइव होता तो आप मुझे भी बता सकते थे, राइट। तो इसके साथ ये कम्युनिकेशन लाइन है, मैंने इधर पर भी डाला था ऐसा ही साइन, सभी बोथ साइड्स है, ओके, डेटा आएगा डेटा जाएगा, बोथ बकबक करेगा, हाँ भाई तू ओके है, हाँ भाई बता कैसे चलना है, तो चलेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है एसएम डेटा, एसएम क्लॉक हम लोग ये चेक करेंगे, सीपीयू रीसेट हम लोग चेक करेंगे, रैस कैश राइट एनेबल, ठीक है। तो इधर पे सीपीयू रीसेट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। बहुत लोग समझते ये कन्वर्शन है, ये कन्वर्शन ही है, ठीक है, बट ये सीपीयू रीसेट का जो सिग्नल है, ये सीपीयू रीसेट क्या होता है, डीरैम रीसेट, ये है डी रैम अंडरस्कोर आरएसटी हैश, इधर पे दिखने को मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली बैक साइड में पीसीए सीपीयू का, हाँ हाँ भाई ये देखो, ठीक है, ये
ये देख के ही पता चलता है, ये रैम का आपका क्या है, रैम का आपका डी रैम रिसेट का सिग्नल है 1.5 वोल्ट का। ओके, तो ये जो वोल्टेज है ये बहुत लोग समझते हैं ये एक वोल्टेज है, इससे सीपीयू से कोई भी लेना देना नहीं है, बट नहीं भाई, ये सीपीयू का आउटपुट वोल्टेज है, सीपीयू से आउट होता है। ठीक है, ये वोल्टेज सीपीयू का आउटपुट वोल्टेज है 1.5 वोल्ट। ओके, अगर इनपुट में नहीं, इनपुट में है आउटपुट में नहीं है, आपका बोर्ड में कोई शॉर्टिंग नहीं है, तो सीपीयू उसे किसी वजह से ग्राउंड कर रहा है और सिंक कर रहा है वोल्टेज को। ठीक है, उसे बाई फोर्स डालने से कुछ नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली आपका सीपीयू डैमेज हो सकता है। ठीक है, चलो अभी ये पार्ट हो गया। नाउ द इम्पॉर्टेंट नोट इज ऑल द कम्युनिकेशन लाइन शुड बी कनेक्टेड प्रॉपरली। जो जो मैंने कम्युनिकेशन के बारे में इधर पे बात किया है, PCH, CPU PCH, CPU RAM, PCHIO, PCH, PCH and BIOS, ठीक है, सबका लाइन, ऑल कम्युनिकेशन लाइन शुड बी कनेक्टेड प्रॉपरली, ये आपको देखना है। एवरी लाइन आप डायरेक्ट चेक करो ऐसे। ओके, आप समझो कौन सा पार्ट, ये आप समझ लो SM डेटा SM क्लॉक, ये CPU के साथ RAM का कम्युनिकेशन है, तो ये RAM स्लॉट, ये CPU स्लॉट इधर से इधर तक आ रहा है, कैसे आ रहा है आप देखो। इधर पे 202 एंड 200 पे आपको क्या मिलेगा, डेटा SM डेटा SM क्लॉक मिलेगा, तो आप उधर से चेक करो वो लाइन कैसे जा रहा है। देखने को मिलेगा इस लाइन पे एक MOSFET लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, आपका बोर्ड ख़राब करने के लिए। देखो कैसे सिस्टम होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जगह निकाल लेता हूँ। हाँ भाई, इधर पे बहुत थोड़ा जगह का कम है, तो इधर पे मैं छोटा सा एक दिखा देता हूँ। SM क्लॉक ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आके इधर पे एक MOSFET पे घुस जाएगा। ठीक है, समझो ये MOSFET का गेट है और ये आपका MOSFET पे चला गया, और इधर से ये गेट 3.3 वोल्ट से कनेक्टेड होगा। ओके, और SM समझो अंडरस्कोर CLK कर देगा। ठीक है, देख डेटा और फ्रीक्वेंसी के बीच में, डेटा इधर पे क्लॉक और डेटा के बीच में एक MOSFET लगा देता है। तो ये MOSFET आने से क्या होता है भाई, आपका जो ये गेट है, ठीक है, तो आपका जो लाइन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो बहुत टाइम हमें देखने को मिलता है नो डिस्प्ले, रैम नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो ये लाइन पे प्रॉब्लम होता है। हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इसे बाईपास कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, इसे हटा दो, इसे शॉर्ट कर दो, लाइन डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत याद रखना है आपको। गुड, तो एवरी कम्युनिकेशन लाइन आपको चेक करना है अगर आपका कोई भी डेटा वगैरह का दिक्कत आ रहा है। ठीक है, इफ़ ट्रैक इज़ ओपन और हाई रेजिस्टेंस, इसका मतलब है अगर ट्रैक डायरेक्टली, ये जो आपको दिख रहा है ना थीन थीन ट्रैक इधर पे, देखो ये थीन ट्रैक दिख रहा है, ये अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो सरा नहीं है, तो वो ओपन हो सकता है, सर गया तो। ठीक है, और हाई रेजिस्टेंस हो सकता है, तो रेजिस्टेंस लगा है, रेजिस्टेंस का वैल्यू शिफ्ट कर गया, और ट्रैक में सल्फर वगैरह आने से 1 ओम का वैल्यू हो गया 10 ओम। ठीक है, तो इसे आपको चेक करना है 100%। अच्छा, इधर पे मैंने लिखा है शूट कनेक्टेड प्रॉपरली, मे बी डायरेक्टली और थ्रू द रजिस्टर, तो मे बी ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो सकता है और थ्रू द रजिस्टर हो सकता है। अभी तो देखा मैंने SM डेटा SM क्लॉक पे थ्रू MOSFET भी हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इफ़ ट्रैक इज ओपन और हाई रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट ऑन द कम्युनिकेशन लाइन, देन यू हैव ए बिग प्रॉब्लम। सो आपका अगर ये लाइन, कम्युनिकेशन लाइन कोई दिक्कत हो गया कम्युनिकेशन लाइन पे, तो आपका बहुत बड़ा एक दिक्कत है, तो आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, मोस्ट केसेस, अभी ये मैं बता रहा हूँ किधर पे क्या मुझे देखने को मिला है, मोस्ट केसेस वी फाउंड दैट आवर डेटा लाइन विथ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रैक रेजिस्टेंस गॉन बैड। इसका मतलब है, आप समझो कोई भी डेटा लाइन और फ्रीक्वेंसी लाइन में, ये जो समझो SPI लाइन में हमारा PCH के साथ BIOS का कम्युनिकेशन हो रहा है, उधर पे आपका जो रजिस्टर लगा होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी और डेटा को
हाई करंट हाई फ्रिक्वेंसी का जो डेटा है वो कैरी करता है, वो रेजिस्टेंस ख़राब होता है, और वो रेजिस्टेंस का जो टॉलरेंस लेवल है, बिकॉज वो टॉलरेंस लेवल बहुत लो होता है, वो टॉलरेंस लेवल के लिए वो अगर थोड़ा सा भी शिफ्ट करेगा 1-2 ओम भी हो जाएगा तो आपका कम्युनिकेशन पाथ बर्बाद हो जाएगा। तो आपको 100% चेक करना है, ठीक है, बिकॉज दिस लाइन कैरी हाई करेंट विद डेटा, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा क्लॉक एंड डेटा लाइन मस्ट चेक थॉरोली, आपको पूरा चेक करना है क्लॉक एंड डेटा लाइन 100% ओके है कि नहीं, कोई रस्टिंग नहीं है, रजिस्टर का वैल्यू शिफ्ट नहीं किया, रजिस्टर का पैरों में मोच नहीं आया, ये आपको चेक करना है। जो पैड है इसमें मोच नहीं आना चाहिए, मोच का मतलब ब्लैक होना। ये जो पैड है देखो ये दिख रहा है, 1 सेकेंड, कोई भी एक रजिस्टर ले लो ना, ये रजिस्टर ले लो, ठीक है, दिख रहा है ना, रजिस्टर का दो पैड चमकना चाहिए, एक काला हो पा रहा है और वो कनेक्टेड है आपका फ्रीक्वेंसी लाइन में, डेटा के लाइन पे, कम्युनिकेशन लाइन पे, एग्जैक्टली सो गया, ठीक है, आपका प्रॉब्लम आएगा मदरबोर्ड में। लास्ट पेज मैंने लिखा आयो से बायोस के बीच कम्युनिकेशन, तो आयो तो हुआ आयो और बायोस इसी बायोस, ठीक है, ये बायोस के ब्रैकेट में मैंने लिखा इसी बायोस, तो ये कम्युनिकेशन भी हैपन होता है थ्रू द एसपीआई लाइन। तो इसका मतलब पीसीएच टू बायोस इस आपका नोवाडॉन आयो, आयो टू आपका बायोस, सभी होता है एसपीआई बास कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है, और लैन कनेक्टेड डेटा और इटा ये है WLAN जो है मिनी वाईफाई कार्ड का। तो इसका मतलब इधर पे किधर है भाई मिनी वाईफाई कार्ड, ये मिनी वाईफाई कार्ड है, ये WLAN और ये है आपका RJ45 का कनेक्टर, नेट का कनेक्टर, ठीक है, लैन कनेक्टर ये, ठीक है। तो ये और पीछे लगा वो कनेक्टर वो भी PCH के साथ कम्युनिकेशन करता है, ठीक है, वो कम्युनिकेशन किसके साथ करता है, देखो कम्युनिकेशन हैपन थ्रू PCIe इंटरफेस, PCIe वो PCI था LPC, PCIe LPC लाइन, ठीक है, ये बास कम्युनिकेशन, ठीक है, ये LPC PCI क्लॉक, LPC क्लॉक वो जो LPC का कम्युनिकेशन है, ठीक है, ये PCI, ये PCIe, ठीक है, एक्सप्रेस जो हम लोग एक्सप्रेस जो होता है, मैंने एक्चुअली हमारा जो मदरबोर्ड है PCI स्लॉट होता है, PCI एक्सप्रेस स्लॉट, ये देखो इधर पे अगर आप देखोगे इधर पे देखो ये लिखा है PCIe एक्सप्रेस, ओके, तो ऐसा PCIe एंड PCI एक्सप्रेस स्लॉट, तो इधर से ये कम्युनिकेशन करता है। तो ये आपका ख़त्म हुआ आपका पढ़ाई, ठीक है, तो अभी हम लोग पहले चले जाएंगे, ठीक है, और देखेंगे पहले देखेंगे आपका वोल्टेज, ठीक है, इस बोर्ड में कैसा किधर पे वोल्टेज बनेगा। तो आज आपको एक टेक्निक सिखाता हूँ, इधर पे मैं मार्कर लेके बैठता हूँ, पावर ऑन करूँगा और एवरी कॉयल पे चेक करूँगा और देखूँगा कौन सा कॉयल पे हमारा क्या वोल्टेज बन रहा है, उससे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, सॉरी मेरा हाथ लग गया, उससे हम लोग डिटरमाइन करेंगे आपका मदरबोर्ड में इधर पे कौन सा वोल्टेज बन रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये मेरा मल्टीमीटर आप देख सकते हो, ठीक है, मल्टीमीटर स्क्रीन में है प्रॉपरली, चालू करते हैं हमारा प्रैक्टिकल सेशन। तो ये मल्टीमीटर मैंने ऑन कर लिया, मल्टीमीटर प्रॉपर है, मदरबोर्ड प्रॉपर दिख रहा है आपको, थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ, ये आपको प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। तो अभी मुझे DC ऑन करना है, DC ऑन हो गया, थोड़ा करंट रिड्यूस करते हैं, 4 एम्पियर कौन उठा के बैठा है, 2 एम्पियर इनफ, चलो DC प्लग इन करते हैं। सेक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे, पावर सेक्शन के बारे में, ओके, ये प्लग इन कर दिया, 0.8 का मिली एम्पियर का करंट कंजम्पशन है, तो 0.8 करंट कंजम्पशन है, इसका मतलब क्या है, हो सकता है वह 3-5 बन गया, तो अभी 3-5 इस साइड पे हमें देखना है कि नहीं। 3-5 को पहचान करने का सबसे इजी तरीका है, दो कॉयल एक ही जगह पे बैठा होगा एक ही साथ, ओके, उससे हम लोग 3-5 देख सकते हैं। तो देखो ये दो कॉयल है, बट ये तो CPU के पास में लगा है, चलो हो सकता है, ठीक है, हम मैं बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बना रहा हूँ, देखो इधर पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, ये नहीं है, तो ये दो कॉयल पास में बैठा है, चलो देख लेते, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो एक कॉयल है,
और आप बता सकते हैं ये और ये, ठीक है चलो आपके बात ही मान लेते हैं, ठीक है ये देखो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो सेकंड जो पार्ट साइड है बोट का, एक सेकंड थोड़ा सा सावधानी से कर लेता हूँ। हाँ चलो इधर भी देखो लाइट जल रहा है, ठीक है ये LDO का लाइट है, ये मैंने पावर बटन पे तार लगा लिया, ठीक है बार बार ऑन ऑफ करने में आसानी होगा। और देखो इधर पे मुझे मिला एकदम प्रॉपर 3 और 5 का कॉयल, तो वो कॉयल थोड़ा बड़ा लगना था, यस वो कॉयल बड़ा है, वो हाई करंट के लिए है। तो ये हमारा 3-5 है, तो ये देखते हैं ऑलवेज है कि नहीं। तो ये 2 MOSFET, ओके 2 MOSFET, 1 कॉयल 1 कैपेसिटर, तो 5.71 और 2 MOSFET 1 कॉयल 1 कैपेसिटर, इधर पे प्लस 3.79, ठीक है प्रॉपर 3 वोल्ट 5 वोल्ट बन रहा है। ये थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है बिकॉज मेरा मल्टीमीटर गया, ठीक है मैं दिखा देता हूँ। ये मल्टीमीटर से अगर आप चेक करोगे ना आज तो दिक्कत हो जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। मेरा ये मल्टीमीटर का एकदम भी पसंद नहीं है ये फीचर, ठीक है ये तो फीचर ही है, बहुत अच्छा फीचर है, ठीक है वोल्टेज ज़्यादा बताता है। एक टाइम में मैं बहुत फंसता था इसमें, ठीक है वोल्टेज ज़्यादा क्यों बता रहा है, मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ और आपका मल्टीमीटर गया, ठीक है ये बैटरी लो होने से ऐसा होता है। ये मेको का मल्टीमीटर है, एक्चुअली क्लैंप मीटर है, ठीक है बट ये भी आपको वोल्टेज दिखा देगा बिंदास। तो अगर मैं देखूँ, देखो अरे यार ओवर रेंज दिखाना चालू कर दिया, इसका भी बैटरी गया, देखो कैसा कर रहा है। ये मैं बहुत लो यूज़ करता हूँ, ठीक है ये देखो 5.2 है, 5.7 दिखा रहा था, ठीक है 5.1 और 3.3 पे 3.361, परफेक्ट, ठीक है बिकॉज अगर वोल्टेज थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा ना तो हम लोग पता नहीं कर सकते, हम लोग स्कीमेटिक नहीं देखेंगे इसमें, ठीक है ऐसा मत समझो मैं स्कीमेटिक देख के बैठ गया, नहीं भाई आपके लिए जो होगा लाइव होगा। तो मैं इसे ग्राउंड कर लेता हूँ और एक एक करके चेकिंग करना चालू करता हूँ, ठीक है और एक अच्छा आइडिया देता हूँ जो भी जिसके पास लगा हुआ होता है, ठीक है देखो जैसे ये रैम है, हम लोग देख सकते एक थिक पैड, थिक का मतलब चौड़ा पैड, कॉपर पैड, ये कैपेसिटर से निकलता हुआ इधर पे आ रहा है, तो ये हो सकता है ये कैपेसिटर पे हमारा 1.5 वोल्ट बनता है रैम का, ठीक है। और ये देखो ये ट्रैक को अगर फॉलो करोगे ये कॉयल, तो ये चार्जिंग के लिए जा रहा है बैटरी में, ठीक है और ये अगर देखोगे ये CPU के अंदर जा रहा है, ये देखोगे ये भी एक बहुत चौड़ा पैड CPU के अंदर जा रहा है, ठीक है ये किधर भी नहीं जा रहा है, ये इधर पे आ रहा है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली VTT हो सकता है। एक छोटा कॉयल है, छोटा IC छोटा कॉयल, ये हो सकता है हमारा PLL 1.8 वोल्ट PLL और VCC SA ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है चलो अभी चालू करते हैं, ओके मदरबोर्ड चालू करते हैं। तो ये मेरा ट्रिगरिंग है, मैं ट्रिगर करता हूँ, ट्रिगर कर दिया करंट चला गया 900 800, तो आपका डिस्प्ले देखो बन गया, ठीक है बोर्ड में ये आपको दिख रहा है लाइट ब्लिंकिंग होना, ठीक है इसका मतलब क्या है हमारा एक बोर्ड में डिस्प्ले बन गया बिंदास, तो ये ओके बोर्ड है। चलो चेकिंग करते हैं, देखते हैं क्या वोल्टेज किधर पे बनता है। तो पहले हम लोग इस कॉयल में चेक करते हैं, देखो इसमें कुछ भी नहीं बन रहा है, ये कॉयल बैटरी का है, बैटरी लगा नहीं है तो चार्ज क्यों पंप करेगा, नहीं करेगा। तो अभी ये कॉयल पे हम लोग चेक करेंगे, कैपेसिटर हटाओ कॉयल पे चेक करना सीख जाओ, ठीक है तो कॉयल पे चेक करेंगे तो 1.5 एग्जैक्टली 1.5, ठीक है वन सेकेंड, ये 1.5 वोल्ट रैम है, तो हम लोग क्या करेंगे रैम मिल गया, बहुत अच्छा नाचो अब। उसके बाद ये क्या है 1 वोल्ट, ओके ये CPU हो सकता है बट एक कॉयल लगा है, CPU के लिए एक कॉयल होगा नहीं, हो सकता है। चलो देखो ये दो कॉयल एक साथ ठीक एक पैड से कनेक्टेड है, तो चलो देखते हैं इसमें क्या है, 1 वोल्ट है इसमें भी, इसमें क्या है इसमें भी 1 वोल्ट है, तो हो सकते ये 3 कनेक्टेड हो, बट तो ये ट्रैक से तो डायरेक्ट कनेक्टेड होना चाहिए था तो अलग क्यों है, बट CPU के अंदर ही जा रहा है 1 वोल्ट है, ये हो सकता है GPU, हम लोग कन्फर्म नहीं है तो हम लोग इसे राइट डाउन नहीं करेंगे। दो कॉयल एक साथ कनेक्टेड है
तो ये 100% कोर है, ओके, वी कोर, ठीक है, गुड। तो ये क्या है भाई, 1.07, ये क्या है, 1.05 वोल्ट, ओके, ये मोस्ट प्रॉब्ली आपका है VTT, ठीक है, और ये होता हो सकता है आपका 1.05 वोल्ट, ये है PCH, ये हो सकता है CPU VTT, हो सकता है PCH, ठीक है। उसके बाद ये छोटा एक कॉइल है, इधर पे कितना मिलता है, 1.8, ये है PLL, एग्जैक्टली मैंने पहले ही बताया था ये PLL है, तो ये है VCC_PLL, ठीक है, चलो बोर्ड में डिस्प्ले बना हुआ है। और कोई भी कॉइल आपको दिख रहा है क्या, कोई भी कॉइल नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हमें मिल गया, तो अभी जो मिला नहीं वो हम लोग सर्च करेंगे, ठीक है। ये क्या है, कॉइल नंबर, ये है 1 सेकेंड, इधर पे एक पैड है, ठीक है, शॉर्ट पैड है। अब अगर आप थोड़ा जूम करके देखोगे इधर पे, ये पॉइंट पे देखो, इधर पे एक शॉर्ट पैड है, ठीक है, ये शॉर्ट पैड, हम लोग शॉर्ट पैड का नंबर चेक कर लेंगे और फिर से वोल्टेज चेक करके मैं दिखा देता हूँ इसमें राइट नाउ क्या वोल्टेज अवेलेबल है। ये 1.81, ठीक है, थोड़ा सा तो ये हो सकता है, क्या देखते हैं, ये हो सकता है आपका GPU का CPU का कोर, कोर नहीं, GFX हो सकता है, ये VTT हो सकता है, ये PCH का पावर भी हो सकता है, ठीक है। तो पैड PAD6500 है, ठीक है, मैं सर्च कर लेता हूँ PAD6500, चलो क्या है, एक साथ देखते हैं, ये मैंने सर्च कर लिया, इसे मैं फाइंड आउट किया, ये पैड, ये देखो ये GFX है, ओके, ये GFX, ये देखो लिखा हुआ है, ओके, ये लिखा हुआ है GFX, ये और L नंबर है L6600, चलो देखते हैं ये 6600 है क्या, ये L का नंबर किधर है, ये देखो, नहीं ये तो 6500 है भाई, तो ये क्या मैं गलत दिख लिया, नहीं 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 ये तो 66 है, ऐसे कैसे हो गया, ये तो गलती हो गया भाई इधर पे, नहीं 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 देखो जूम करें तो ये 6.5 ही है, ठीक है। तो आँखों में थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए दिखाई नहीं, तो ये आपका GPU है, क्या है, GPU का पावर, GFX, तो 55 है, अलग से GFX बनेगा 100%, GFX, ठीक है, तो ये GFX बन गया, RAM बन गया, ओके। और एक चीज़ है रैम का VTT, तो इधर पे एक IC है, IC क्या है, नहीं भाई देखो इधर पे देखो, ये IC BQ IC है, सो ये चार्जिंग BQ नहीं एक्चुअली मैक्स का IC है, सो ये चार्जिंग का है, ओके, VIN का चार्जिंग का। बट अगर आप देखोगे ये छोटा सा IC, ये क्या है भाई, इधर पे एक शॉर्ट पैड भी है, चलो एक बार देख लेते ना इधर पे कोई वोल्टेज आ रहा है, इनपुट और आउटपुट कुछ भी आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये VTT होगा तो इनपुट 1.5 वोल्ट होगा और 3.3, और मिलेगा कितना, हाफ ऑफ द रैम क्या है, 1.5 वोल्ट है, तो 0.75 होगा, ओके। तो ये पैड जा रहा है इसमें, ये पैड, ठीक है, और ये पैड से इधर पे, ये देखो भाई, देखो 0.75, देखा कितना इजीली मैं फाइंड कर लिया इसे, क्यों फाइंड कर सकता हूँ मालूम है, बिकॉज मैं थोड़ा सा देखा, तो ये है हमारा VTT रैम का VTT, ओके, आपके लिए पूरा बोर्ड में ही राइट डाउन कर रहा हूँ मैं, तो मैं ऑफ कर देता हूँ बोर्ड बंद, अभी इधर पे लिखना बाकी है, ओके, ये पार्ट पे आपका लिखना बाकी है, ये है 5 S5 कॉइल का, और ये है 3 S5, गुड। और इधर पे मैंने बोला था ये है DRAM रिसेट का, ओके, जो 1.5 आएगा 1.5 वोल्ट जाएगा, चलो एक बार देख लेते हैं। तो पहले बोर्ड को ट्रिगर करते, ये ट्रिगरिंग हो गया बोर्ड, इधर पे देखो लाइट ब्लिंकिंग करना चालू कर दिया, अब नहीं देख सकते, ये देखो, और ये मेरा मल्टीमीटर मैं इधर पे रखता हूँ, ठीक है, और सॉरी इधर पे ही तो चेक करना है भाई,
तो किधर पे रखो, इधर पे रख, नहीं ठीक है, मल्टीमीटर दिख रहा है प्रॉपर, अभी देखो इधर पे, ये देखो 1.5 आ रहा है, और इधर से 1.5 निकल गया, ये है DRAM रीसेट का सिग्नल, ठीक है प्रॉपर। सो ये देख के ही बता सकता हूँ, ये आपका आपका DRAM रीसेट का लाइन है, ठीक है। चलो तो ये आपका हो गया वोल्टेज कंप्लीट, ठीक है, वोल्टेज तो हो गया, गुड। अभी हमें देखना है आपका क्लॉक, ठीक है। तो पहले क्लॉक बनने के लिए आपका क्या मैंने बताया इधर पे, तो आपका मदरबोर्ड में पावर सीक्वेंस कंप्लीट है, ठीक है। इसके बाद सिस्टम पावर ओके चाहिए, तो सिस्टम पावर ओके कैसे बनेगा, मैंने बताया था पहले वीडियो में, PCH पावर ओके, हार्डवेयर पावर गुड, ये मिलके सिस्टम पावर ओके बन सकता है, और हो सकता है VRM पावर रेडी, VR पावर रेडी, ये है VRM पावर पावर गुड, VRM IC का पावर गुड, PCH पावर ओके मिलके सिस्टम पावर ओके। चलो तो हम लोग जानते नहीं ये बोर्ड में क्या होगा, ओके मैं ओपन कर लेता हूँ, एक बार सर्च करके देखते हैं, ठीक है, सिस्टम पावर ओके ऐसा कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखा जाता है सीमेटिक में, SYS अंडरस्कोर पावर PWR, उसके बाद अंडरस्कोर ओके, ठीक है जी, ठीक है। ये देख लो सिस्टम पावर ओके, तो ये अगर सर्च में डाल दूँ तो क्या आता है देखते हैं, ठीक है। सर्च दिखा रहा है, कोई भी रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसके मतलब इधर पे ऐसा लिखा तो नहीं है, तो एकदम छोटा कर लेते इसे थोड़ा, तो सिस्टम पावर ऐसे करके एक बार सर्च करते हैं, ठीक है, देखते हैं पावर ओके कैसा लिखा हुआ है, ओके ये देखो ओके। तो इधर पे कैसा था, सिस्टम अंडरस्कोर पावर अंडरस्कोर नहीं था, डायरेक्ट ओके था, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम पावर ओके, पावर ओके ME पावर ओके, ये है पावर सिस्टम पावर मैनेजमेंट सेक्शन, मैंने जो बताया, मैंने बताया ना, देखो ये इसलिए ना, इधर पे अगर कॉन्फर्मेशन भी मिल जाता है तो बहुत अच्छा होता है। ये देखो DMI FDI पाथ, ये सभी ग्राफिक्स वगैरह के लिए रिलेटेड होता है। FDI पाथ मैंने बोला ना, FDI एक्टिवेट कर, सॉरी FDI नहीं, सॉरी आपका FDI पाथ से ही आपका ग्राफिक्स वगैरह एक्टिवेट होता है, ठीक है। अरे मेरा माउस किधर गया, हाँ, तो ये पावर मैनेजमेंट सेक्शन, इधर से ही आपका SLP सिग्नल निकलता है, ठीक है। ये SLP का सिग्नल, पावर बटन का सिग्नल, पावर बटन जो आउट होता है उधर से CPU को, सॉरी CPU नहीं, PCH, धार यार PCH CPU IO के तरफ से, वो देखो RSM रिसेट का डेटा, ठीक है, DRAM पावर गुड का डेटा, तो पावर ओके का डेटा, तो सभी इधर पे पावर मैनेजमेंट पे आता है। छोड़ो, तो हम लोग पावर PCH पावर ओके ढूंढ रहे थे, तो PCH पावर ओके मिल गया, तो PCH पावर ओके कैसे बन रहा है, बिकॉज इधर पे तो हमें वोल्टेज चाहिए, नहीं तो आपका ऑसिलेशन नहीं चालू होगा, बोर्ड में फ्रीक्वेंसी नहीं बनेगा। तो पीछे जाते हैं, किधर से आ रहा है ये, ओके PCH पावर ओके इधर से आया, ये तो एक एंड गेट है, ये है एंड, सॉरी एंड नहीं, ये है नॉट, NOT नॉट, नॉट का मतलब इधर पे, अरे भाई ये तो सर्किट तो पूरा, ये कैसे काम करेगा भाई, ये तो ऐसे काम ही नहीं करना चाहिए, ये क्या हो गया, तो मेरा दिमाग घुमा दिया, शिट मैन, ये तो बहुत मुश्किल हो गया। देखो VRM पावर गुड है, VRM पावर गुड आएगा, VRM पावर गुड क्या होगा, हाई होगा ना, 3.3 होगा, हाई लॉजिक होगा, तो 3.3 आया तो इधर पे तो लो कर देगा ये, तो नॉट है, नॉट का मतलब है जो भी आप डालोगे इधर पे वो उलट, क्या बोलते हैं इसे, अपोजिट हो जाएगा, इधर पे हाई आएगा तो लो हो जाएगा, लो आएगा तो हाई हो जाएगा, तो हमें तो 3.3 ही चाहिए। तो ये सर्किट कैसे, U6604, ओके U6604, चलो एक बार देखते हैं, हाँ भाई U6604 किधर है, बोर्ड व्यू तो नहीं है, थोड़ा टाइम लग जाएगा। चलो एक बार मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के जल्दी जल्दी ढूंढने की कोशिश करते हैं। PCPU PCH इधर पे ही मिलेगा, ठीक है, ये सब बिकॉज इधर क्या ही काम है। ये U6604
अपोजिट साइड नहीं है ना, इधर पे तो कोई आईसी वगैरह दिख नहीं रहा है भाई। ऐसा आईसी होना चाहिए छोटा, U441 ना, 4 सीरीज तो इधर पे है, 6 सीरीज उधर ही होगा। और ऐसा आईसी इधर पे भी नहीं है, ये एक है, ये है U6100 नहीं है। ये क्या है, ये क्यू है, क्यू का मतलब है ट्रांजिस्टर और मॉसफेट। ठीक है, किधर है भाई क्यू, ये सब नहीं है, ये U66। हाँ अभी सेंस कर गया, अरे पूरा दिमाग घुमा दिया। चलो ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है U6602, इधर से देखो U6602, U6604 और इधर पे लिखा U6601। इसका मतलब ये 6601, 2, ये 3 सभी ओपन है। इसका मतलब नॉट प्रेजेंट नहीं है, तो पावर किधर से जा रहा है? तो कोई ना कोई ये एक्चुअली एट द रेट देना चाहिए और स्टार मार्क देना चाहिए, इससे हम लोग बता सकते हैं ये बोर्ड में प्रेजेंट नहीं है। बट ये बोर्ड में प्रेजेंट नहीं है, इधर से लाइन जा रहा है एक 0 ओम रजिस्टर के साथ। सो देखा ही नहीं, ठीक है। आप अगर देख लिए थे पहले ही तो आप मेरे से भी अच्छा है, आपका स्टडी है, ठीक है। मुझे ये पता ही नहीं चला, ये इधर से देखो कनेक्टेड है। सो ये नहीं है नॉट गेट, VRM पावर गुड, ये 100% VRM IC होगा। ये मेरा मल्टीमीटर है, छोड़ो इसे, ज़्यादा ही छोटा कर दिया, राइट। ये हाथ बना लो, ये देखो ये आपका VRM IC, इधर से VRM पावर गुड निकल रहा है, ये VRM पावर गुड इधर से आया, ऐसे रजिस्टर से पास होके PCH पावर ओके बन गया, और जो PCH पावर ओके है वही आपका सिस्टम पावर ओके हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग अब फिर से अगर इधर से देखेंगे, PCH पावर ओके हमने डाल के सर्च किया था, क्यों सर्च किया था, बिकॉज ये और किधर पे भी नहीं जा रहा है, बिकॉज इसका और कोई जगह ही नहीं है, इस PCH पे ही जाएगा। अरे यार ये तो मैंने सर्च किया था इधर से PCH पावर ओके, बट PCH पावर ओके इधर पे तो नेम है, बट एक्चुअली ये है सिस्टम पावर ओके। तो सिस्टम पावर ओके, PCH पावर ओके सभी सेम है इस मदरबोर्ड का स्कीमेटिक के मुताबिक। तो हमारा तो हम लोग रजिस्टर नंबर, वन सेकेंड हमें इधर पे चेक करना होगा, रजिस्टर R6626 ओके, 0 ओम का रजिस्टर, तो इधर पे हमें 3.3 के करीब तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्लॉक फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए इंफॉर्मेशन कैरी करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे R6626 इधर पे ही होगा। ओके इधर पे एक बैड न्यूज़ है, इधर पे रजिस्टर का तो नंबर नहीं लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बीपिंग से कंफर्म करेंगे। ओके तो बीप मोड पे डाल देते हैं इसे। अरे भाई ये क्या हो रहा है मेरे मल्टीमीटर के साथ, देखो देखो डांस कर रहा है। चलो तो ये है हमारा 6604, तो 6604 का पिन नंबर 2 और पिन नंबर 4 कनेक्ट होगा। तो पिन नंबर 2, वन सेकेंड, इधर पे पिन नंबर 1 किधर पे है वो हमें पता करना है। एक आईसी ऐसा पिन नंबर 2, ये पिन नंबर 1, 1, 2, 3, 4 ओके, तो 1 और 4 1 इधर से इधर पे आ रहा है, नहीं 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 इधर पे तो इधर पे नहीं आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली यही 1 होगा। अरे मेरा मल्टीमीटर आज क्या हो रहा है भाई, मेरा बैटरी चेंज करना पड़ेगा उस मल्टीमीटर का। ओके एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं फिगर आउट करता हूँ, ठीक है। ये पिन नंबर 1, 2 यस, ये आपका रजिस्टर है मोस्ट प्रोबेबली। ओके ये रजिस्टर मोड पे डाल देते हो, ऐसे ऐसे नहीं होगा, यस एकदम 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 0 ओम का है, ठीक है। तो 0.5 दिखा रहा है, तो हमारा वायर का ही रेजिस्टेंस वैसा ही होगा, ठीक है। ये देखो पॉइंट, देखो 0.545, सो पॉइंट, अरे यार ये देखो 0.5 आपका वायर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ 4, 4 ये 0.4, और अगर मैं इस रजिस्टर पे जो ढूंढ रहा था रजिस्टर, ये रजिस्टर पे चेक कर रहा हूँ,
रेजिस्टेंस मोड पे आ रहा है। रुको रुको रुको, ये कॉन्टैक्ट का प्रॉब्लम है, ठीक है, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है इसका। ये अभी देखो, ओके 0.9 आ रहा है, ठीक है। सो ये 0.7, तो थोड़ा सा हमारा मल्टीमीटर तो 100% एक्यूरेट नहीं है, तो ओके है, ज़ीरो है। तो इधर पे हमें वोल्टेज मिलना चाहिए, अगर ये ही हमारा, चलो एक बार देख लेते इसका इनपुट लाइन किधर से कनेक्टेड है भाई, बीपिंग के डाल देते आसानी होगा। ये दो नंबर है, राइट, ये दो नंबर, ये चार नंबर, गुड, ठीक है। तो एक इधर से एक चालू होगा, एक दो तीन, उसके बाद चार पाँच, तो दो एंड चार कनेक्टेड है एग्जैक्टली। आप अगर चेक करो इधर पे, ठीक है, फ्लक्स लगा है इसलिए थोड़ा सा बीपिंग का इशू आ रहा है। तो हम लोग पावर ऑन करेंगे और देखेंगे 3.3 इधर पे बन रहा है कि नहीं, बिकॉज यही हमारा सिस्टम पावर ओके का सिग्नल। तो वन सेकेंड, इधर पे वोल्टेज बोर्ड ट्रिगर कर गया, बोर्ड में डिस्प्ले बन गया, और इधर पे हम लोग रखेंगे और चेक करेंगे पिन नंबर, ये पिन नंबर 4 3.3 और पिन नंबर 2 4 3.3। आजा भाई, फ्लक्स लगाया और कुछ नहीं, ये 3.3, ठीक है। तो 3.3 बोथ साइड में बन रहा है, ये आपका सिस्टम पावर ओके बन गया आपका बोर्ड में, नॉट गेट नहीं है, यही इसका अच्छा बात है। तो आपका फ्रीक्वेंसी बनना चाहिए बोर्ड में, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चालू करेंगे चेक करना, जो इसका मतलब क्या हुआ, आपका ये बन गया, इसका मतलब 25 मेगाहर्ट्ज बनना चाहिए। 25 अगर मेगाहर्ट्ज बन गया तो इंटरनली ये जाएगा इसके अंदर, एक्सटर्नल से ये इसके अंदर जाएगा, और इंटरनल फ्रीक्वेंसी में हमारा ये सब फ्रीक्वेंसी बनेगा। तो 33 जो मेगाहर्ट्ज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें चेक करना है, वो है एलपीसी लाइन पे, ठीक है। वो एलपीसी और पीसीआई जो क्लॉक है वही 33 मेगाहर्ट्ज है, वो हमारा मिलना चाहिए। अगर वो मिल गया तो हम लोग कन्फर्म होंगे जे आपका जो पीसीआई जो वो 33 मेगाहर्ट्ज जनरेट करना चालू कर दिया, ठीक है। तो हम लोग इसे कनेक्ट करते हैं और चलते हैं हमारा स्कीमेटिक। तो इधर पे देखो, इधर पे है U301, ओके U301, चलो सर्च करते हैं U301। तो इसका स्टोरी आपको पता चल गया, ठीक है, जो PCH पावर ओके का इधर पे स्टोरी था। तो U301, चलो ये आ गया आयो पे, हेड पे मैं बोल रहा था, बहुत सारा पिन एक साथ कनेक्टेड होता है, ये ही इसका ही बात कर रहा था, ठीक है। तो ये देखो, ये 3LA के साथ का V3LA, ये मोस्ट प्रोबेबली LDO का सेक्शन है, ठीक है, और ये भी हो सकता है कोई VS का सिग्नल, ये VS है, ठीक है, इसी VS और ये LDO ही है। तो अभी इसे थोड़ा सा जूमिंग कर लेते हैं हम लोग, ओके, जिससे हम लोग इजीली देख सकते हैं। हमें चेक करना है LPC का, तो LPC हमें चेक करना है जो, वो है LPC क्लॉक और LPC डेटा, LPC क्लॉक और LPC डेटा। पहले LPC क्लॉक चेक करेंगे, डेटा बनेगा रिसेट के बाद। तो हम लोग ये देखो ये LL क्लॉक इधर पे दिख रहा है, दो नंबर पिन मोस्ट प्रोबेबली। तो चलो इधर पे आते हैं, तो ये देखो, हाँ, ये एकदम ना एवरी आयो का 1 2 3 4 5 इस नंबर पे ही हमारा LPC क्लॉक का डेटा मिलता है। ये जो है ये LPC का डेटा है, ये LAD 0 to LAD 3 LPC का क्लॉक डेटा है। डेटा तो रिसेट के बाद बनेगा, किधर पे रिसेट मिलेगा, L रिसेट, ये है PLT रिसेट जो रिसेट है। बट उससे पहले हमें चेक करना है, अगर मेरा 33 मेगाहर्ट्ज बना है उसके बाद PLT बनेगा, तो क्लॉक हमें इस नंबर पिन नंबर 2 पे 33 मेगाहर्ट्ज का LPC क्लॉक चाहिए, ठीक है, ये L क्लॉक, ये है LPC क्लॉक। चलो अभी DSO का हेल्प लेंगे, पिक्चर क्लिक करेंगे, जिससे आपको भी मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। एक साथ ही ये मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा मैं ऊपर लेता हूँ इसे, वन सेकेंड, मैं पिक्चर भी क्लिक करूंगा जिससे आपको मिलेगा बाद में, ठीक है।
मेरे लिए थोड़ा दिक्कत है, बट ठीक है, मैं कर लूँगा। आप भी देखो मेरे साथ क्लॉक, ठीक है, ये ऐसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इधर पे आप आयो देख सकते हो, पिन नंबर 2 मैं टच करूँगा, उधर पे आपको DSO मिल जाएगा। तो मैं DSO को ऑन कर लेता हूँ, DSO ऑन था हमारा, ठीक है, चलो DSO ऑन हो रहा है। तो ये मेरा प्रॉब सेटिंग कर लेते हैं, ये पेन ड्राइव लगाया है इसलिए इतना टाइम लग रहा है, ठीक है, ऑफ़ कर देते हैं एक सेकंड, पेन ड्राइव में डेटा वगैरह है, ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, ये चालू हो रहा है, यस चालू हो गया, चलो चालू हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोप को ग्राउंड पे लग लेंगे अच्छे से, ग्राउंड, और इधर से हम लोग इसे थोड़ा सा 0 पे सेट कर देते हैं, डांसिंग वाला, ठीक है, ये डांसिंग चला जाएगा, कोई बात नहीं, ये जस्ट नॉइस पकड़ रहा है। हम लोग क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं, तो हम लोग ऑलवेज 1 से 10 की तरफ धकेल देंगे इसे, ठीक है, 10x पे, और लो वोल्टेज है, देखो 20 मिली वोल्ट है, परफेक्ट है, तो हम लोग इससे चेक कर सकते हैं। तो पिन नंबर 2 में चेक करना है एल रिसेट 33 मेगाहर्ट्ज़ के लिए, चलो ट्रिगरिंग, ट्रिगर हो गया बोर्ड, कोई बात नहीं, इधर से मैं देख लेता हूँ पिन नंबर। अरे यार इस हद से तो मैं टच ही नहीं कर सकता, 1 सेकेंड भाई, भाई लोग रुक जाओ। ओके, इस पॉइंट पे हमें मिलना चाहिए, चलो लगा दिया, ठीक है, देखो 33 मेगा तो बन रहा है, थोड़ा बिग है, हैं, ये बन गया जबरदस्त। ओके, इसे थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं, ये 33 मेगाहर्ट्ज़ का बन गया, ठीक है, क्लॉक ये से रिसेट, ये परफेक्ट परफेक्ट भाई, 33 मेगाहर्ट्ज़। ओके चलो चलो पिन ड्राइव लगाते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, घुस गया भाई, हाँ घुस गया, स्क्रीनशॉट नॉट कनेक्टेड भाई, ये तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, चलो चलो हमारा पिन ड्राइव लगाते हैं, ठीक है, छोड़ो इसे, ये हमारा टेस्टिंग पेन ड्राइव लगाते हैं, जो जिसमें मैं डिस्प्ले चेक करता हूँ, ये सबसे अच्छा पेन ड्राइव है, इसलिए इस ऑन के टाइम पे प्रॉब्लम कर रहा था। ये क्लिक पिक्चर, ये हो गया स्क्रीनशॉट, अब मैं मेजर करूँगा, ऑल पैरामीटर्स चेक करूँगा, इधर पे स्क्रीनशॉट, यस 33 मेगाहर्ट्ज़ हमारा चेक हो गया, तो LPC हमारा बन गया, तो LPC क्लॉक बन गया, ठीक है। LPC क्लॉक के बाद क्या बनेगा, रिसेट, तो रिसेट कौन सा पिन नंबर पे था, एल रिसेट 7 नंबर पिन पे, ठीक है। आपको अगर मैं थोड़ा सा फिर से दिखाऊं, ये देखो मैंने चेक कर लिया 2 नंबर पिन, अभी 7 नंबर पिन पे हमें PLT रिसेट चेक करना है, LPC रिसेट नहीं, सॉरी PLT रिसेट चेक करना है, तो PLT रिसेट के लिए 7 नंबर पिन, चलो देखते हैं 7 नंबर पिन पे 3.3 अवेलेबल है कि नहीं। काउंट कैसे करूं, इधर से थोड़ा सा मैं आपको इधर पे रख रहा हूं, ठीक है, मैं फिर से आपको बैक में लेके आ जाऊंगा, चिंता मत करो, बहुत दिक्कत है ऐसा। 1 2 3 4 5 6 7 ये पॉइंट मेनू, ये देखो 3.3, ओके, ये अरे भाई कैमरा भी हिल रहा है, ये मैंने टच कर लिया इस पॉइंट पे, 3.3 आ रहा है, ठीक है, ये 3.3 आ रहा है। ओके 1 सेकेंड मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, ओके ये 3.3, ये अच्छे से मैं ना दिखा नहीं सकता हूँ भाई, ठीक है, ये काम करते, ये वोल्टेज मैं मल्टीमीटर से भी आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है, रिसेट का वोल्टेज, तो मल्टीमीटर आपको दिख रहा है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, सो ये देखो दिख रहा है 3.3 आ गया अभी, तो भाई दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है, अरे गिर मत, जो गिर ही गया, चेकिंग करने से पहले ही गिर गया, तो ये इधर पे देखो टच नहीं हो रहा है क्या, हाँ 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 अभी बोर्ड बंद हो गया क्या मेरा, नहीं तो
तो ये ग्राउंड ख़राब है, नहीं कुछ भी नहीं है तो फिर क्या। ये आज बहुत दिक्कतें कर रहा है, देखा कैसे ये घुस गया, लगा ही नहीं। ये 3.3 देखने को मिल गया, तो मैं थोड़ा सा भी DSO भी DSO से भी देख लेता हूँ, तो वोल्टेज को थोड़ा सेट कर लेते हैं। 1 वोल्ट पर डिविशन, 10x पे नहीं 1x, ठीक है। हाई वोल्टेज चेक करना है हमें, तो ये एक रिसेट सिग्नल है, तो देख लेते हैं रिसेट आ रहा है कि नहीं है, ठीक है। ये देखो 3.40 वोल्ट, एक घर, दो घर, तीन घर, उसके बाद थोड़ा सा 3.3 वोल्ट, गुड। तो 3.3 वोल्ट बन गया आपका LPC क्लॉक बन गया। उसके बाद हमें चेक करना है LPC का डेटा बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो डेटा बनने से पहले हम लोग देखेंगे, LPC का डेटा बनने से पहले हम लोग देखेंगे हमारा जो BIOS का रिस्पॉन्स है, मैं जो बता रहा था, ठीक है, BIOS का रिस्पॉन्स कैसे होता है। बिकॉज देखो क्या हुआ, अभी आपका क्लॉक बना, पहले तो आपका सिस्टम रिसेट आया, ओके। इधर पे मैंने ढूंढा, इधर पे नॉट गेट नहीं है, रजिस्टर से सिस्टम रिसेट आया, सिस्टम पावर, ओके। वो PCH को क्या किया, PCH को हीट किया, PCH से निकला आपका जो फ्रीक्वेंसी, वो हमने LPC कम्युनिकेशन लाइन पे चेक कर लिया 33 MHz का, ठीक है। अगर आप चाहो तो बाकी भी चेक कर सकते हो, बोर्ड के नाना एरिया पे आपको मिल जाएगा 33 मिल गया, इसका मतलब LPC जेनरेट हो गया, इसका मतलब इनपुट आ गया, आउटपुट भी निकल गया। उसके बाद हमें देखना है आपका डेटा, ठीक है। तो डेटा बनने से पहले, आपका जो डेटा है वो बनने से पहले आपका BIOS रीड होना चाहिए। तो PLT मिल गया, तो PLT जब भी मिलेगा उसका मतलब है CPU को वो ऑटो एनेबल पे डालेगा और BIOS को वो रीड करेगा। तो BIOS को रीड करने से पहले रीड करेगा, मतलब इनपुट आउटपुट में डेटा हमें चेक करना है, ठीक है। हम लोग चेक करेंगे इनपुट आउटपुट एंड क्लॉक चेक करेंगे, बट मैंने जो बोला इधर पे, जो मैंने CS का फंडा बताया, ठीक है, एक सेकेंड, CS का ये जो फंडा बताया, CS चिप सिलेक्ट, तो पहले चिप सिलेक्ट होगा उसके बाद रैम सिलेक्ट, इसे हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर से पिन नंबर 1 यही है, ओके। पिन नंबर 1 पे मैंने रखा हूँ, बोर्ड को ऑन करते हैं, देखते क्या होता है। देखो एक बार आया, ओके ओके, हमें स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, ओके। स्पीड कम हो गया, अभी आपको प्रॉपरली दिखेगा, ठीक है। स्पीड लो था इसलिए दिखा नहीं प्रॉपरली। तो ये ट्रिगर बना ही नहीं, खूब बहुत अच्छा, बिकॉज ये हाथ में लगा ही नहीं, ठीक है। चलो बंद, फिर से बंद, ओके, थोड़ा टाइम देते हैं, फिर से बंद, पूरा ज़ीरो हो गया, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आप ये भी नहीं देख सकते ये, ठीक है। पिन, अरे वाह वाह भाई वाह, जिंदाबाद है तू, ठीक है। अभी दिख रहा है, देखो BIOS, ये BIOS IC और आपका ये, ठीक है। ये सब तो स्क्रीनशॉट नहीं आएगा, तुरंत तुरंत आएगा, तुरंत तुरंत भाग जाएगा, ठीक है। ये सब आपको अभी देखना है, ठीक है। मैंने रख लिया पिन नंबर 1 पे ट्रिगरिंग, देखो, ओके, चिप सिलेक्ट रैम सिलेक्ट हो गया, ओके। और भी थोड़ा सा स्लो मैं कर सकता हूँ इसे, ओके। देखते हैं 5 मिलीसेकंड कैसा जाता है। बंद, ट्रिगर, एग्जैक्टली ये दो बार आया, एक बार पहले आया, उसके बाद दोबारा आया, ठीक है। ये तो आना जाना रहेगा। तो ये है रैम सिलेक्ट और चिप सिलेक्ट। तो आपको अगर मैं इस टाइम पे दिखाऊं, मदरबोर्ड बंद करके, मदरबोर्ड मैंने बंद कर दिया, पावर को ओपन कर लेते हैं, रैम ओपन करते हैं, रैम सिलेक्ट को होने ही नहीं देंगे, रैम नहीं है बोर्ड में, रैम ख़राब है, रैम डिटेक्ट नहीं कर रहा है। ऐसा कंडीशन में कैसा बनता है उसे आपको दिखाना है, ठीक है। दो बार गया ये, आपको देखना है, एक बार जाएगा अभी टच। अरे भाई ये फिर से मेरा हाथ नहीं लगा, ठीक है, वन सेकेंड, ना फ्लक्स लगा है बोर्ड में, ठीक है, कंपनी से ही फ्लक्स लगा है, थोड़ा
अच्छे से लगाना पड़ता है, ये पावर ऑन। एक बार ऑन नहीं आया, देखा चिप सेलेक्ट हुआ, रैम सेलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। ये एक बार आया छोटा सा, वो ट्राई कर रहा है, ठीक है, वो ट्राई किया और कुछ भी नहीं। तो अभी बोर्ड बंद हो गया, तो इधर पे अगर आप रैम लगा दोगे तो आपका अभी फ्रीक्वेंसी कैसा बनता है वो देखो। ओके, तो मैं फिर से इधर पे लगा देता हूँ। ओके, देखो ठीक है, बहुत सारा पहले आया, उसके बाद दूसरा आया, उसके बाद ये चिप सिलेट रैम सिलेट बोथ हो गया, ठीक है, इसका काम ख़त्म। चलो चिप सिलेट रैम सिलेट देख लिया, इसके बाद हमें देखना है डेटा इन डेटा आउट, तो और वोल्टेज वगैरह बाद में दिखाता हूँ। डेटा आउट पर बाद में होगा, इन होगा, पांच नंबर पिन से डेटा इनपुट होगा, तो एकदम हाई विदाउट एनी गैपिंग, सो एकदम लो ड्यूटी साइकिल के साथ, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये है 5, ठीक है, ये 5 नंबर पिन पे मैंने लग लिया। अभी देखो क्या हुआ भाई, ये अरे अरे इस बोर्ड में ना बहुत ही फ्लक्स लगा है, चिप में आईसी में, एक बार में कुछ भी कनेक्ट नहीं होता। ये एकदम एकदम देख रहे हो कितना डिस्टेंस में आ रहा है सभी। चलो एक बार ना पकड़ते हैं इसे, ठीक है, चलो इसे पकड़ते हैं। ओके, हम लोग ट्रिगर मोड पे भी डाल सकते हैं, बट हम लोग ट्रिगर मोड में नहीं डालेंगे, सैंपल मोड में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे तुरंत ऑफ कर देंगे। ओके, होल्ड पे डाल देंगे। तो मैं ट्रिगर लगा नहीं, इधर से ओपन हो गया। अरे बहुत दिक्कत है, वो डेटा का इनपुट है, हाँ पीसी से आ रहा है। तो ये ट्रिगर, हाँ वोल्टेज ही नहीं आप हुआ, तो लगा ही नहीं भाई, ये मेरा दिमाग घूम रहा है इसके लिए, ऐसे क्यों भाई, कितना एक अच्छा इधर पे फ्रीक्वेंसी मिलना चाहिए, क्या मिल रहा है मुझे। स्टॉप भाई, बैड टाइमिंग पे स्टॉप हुआ, बंद करो बंद करो, बंद हो जा भाई, बंद हो जा। अभी भी चालू है बोर्ड, बंद बंद, अरे बंद क्यों नहीं हो रहा है, मेरे गुस्सा हो गया मदरबोर्ड। एक हाथ से करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। चलो ले लिया भाई, आ गया। चलो ये आपके लिए स्क्रीनशॉट भी लेते हैं इस तरफ। अभी देखो ठीक है, इसे थोड़ा मैं एलेबरेट करता हूँ। देखो ये है आपका डेटा, एकदम ड्यूटी साइकिल लेस। ओके प्रिंस की, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आ गया डेटा, ठीक है, इनपुट का डेटा। चलो आउटपुट देखते हैं, स्टॉप कर देते हैं। बोर्ड तो बहुत गुस्सा हो रहा है मेरे से, ठीक है, बार बार मैं इसे ऑन एंड ऑफ कर रहा हूँ, फिर से मैंने ऑन कर दिया, फिर से ऑफ़ करता हूँ, हाँ ऑफ हो गया। तो क्या देख लिया मैंने, हमने देख लिया DI, अभी देखना है DO, डेटा। यही है डेटा इनपुट एंड आउटपुट, ये अगर आपका मिसिंग हो जाएगा डेटा आउटपुट, तो आपका BIOS में प्रॉब्लम है, आपका IC में प्रॉब्लम हो सकता है, डेटा में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, BIOS आपको रिप्रोग्राम करना है। तो हम लोग देखेंगे डेटा आउटपुट, वो है पिन नंबर 2। बहुत ध्यान से लगाते हैं, चलो इस पॉइंट पे, जय माता दी, राइट, जय माता दी। देखते हैं हम लोग पकड़ सकते हैं कि नहीं इसे, ठीक है, इसे भी पकड़ना है। तो ये चालू, ये स्टॉप, हो गया डेटा। ये देखो, देख रहे हो डिस्टेंस आ रहा है इसमें, ठीक है, ये देखो डेटा, ठीक है, ये देखो कैसे ऐसे मूव किया, बहुत अच्छा है, ऐसे ऐसे गया, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, देखो फिर से ऐसे गया, फिर से ऊपर से जाएगा, फिर से ऊपर से गया, फिर से देखो ऐसे गया, फिर से ऊपर से जाएगा, बहुत अच्छा है ना, नाइस। यह है डेटा
इन आउटपुट, तो बायोस आपका ओके है। अभी हमें देखना है क्लॉक, वन सेकेंड। बहुत दिक्कत दिक्कत ही दिक्कत। पिन नंबर 6 पे ऑलवेज आपको क्लॉक मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 ये 6, तो देखते हैं 6 पे टच हुआ है कि नहीं। यहाँ मैं क्लॉक चेक कर रहा हूँ, तो हाँ 10x पे डाल देते हैं, अच्छा क्लॉक मिलेगा। ठीक है, इसे ऑटो करते हैं एक बार, ऑटो मिल जाए भाई, नो सिग्नल बिकॉज ये मोस्ट प्रॉब्ली कनेक्ट ही नहीं हुआ। बहुत प्रेशर देना पड़ता है। यस, इधर पे आया, कुछ ना कुछ आया। ये क्लॉक 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 पकड़ ले, पकड़ लिया भाई, क्लॉक भी पकड़ लिया। बंद कर दो इसे, चलाने की ज़रूरत नहीं। ये क्लॉक पकड़ लिया भाई, थोड़ा सा पकड़ा हूँ, ठीक है। यस, ये क्लॉक, यस ये है हमारा क्लॉक, ठीक है। ये है क्लॉक प्रिंट स्कीम, ठीक है। बहुत अच्छा क्लॉक भी आ गया, पकड़ लिया हमने क्लॉक भी। सो चलो, तो बोर्ड में बायोस ओके हो गया, तो बायोस का डेटा वगैरह बनना चालू हो गया। तो बायोस का डेटा अगर रीड हो गया, तो आपका एफडीआई पाथ में एलपीसी का डेटा भी बनना चाहिए। मैं बार बार एफडीआई पाथ बोल रहा हूँ, नहीं एफडीआई नहीं, एलडीए पाथ में। कौन सा पाथ का मैं बात कर रहा हूँ? ये एलएडी के लाइन पे, एलएडी, मैं फिर से गलती बता दिया था, सॉरी, एलएडी के लाइन पे, ठीक है। ये है एलपीसी का डेटा, तो हम लोग कोई ना कोई पिन पे हम देख सकते हैं, उल्टा भी देख सकते हैं, 126, 127, 128, इसका मतलब एकदम लास्ट में और फास्ट में कोई ना कोई जगह पे हमें मिल ही जाएगा डेटा। तो एकदम एक नंबर पिन पे ही देख लेते, एक नंबर पिन पे भी है, तो देखते हैं हम लोग एक नंबर पिन पे इधर पे हमें डेटा मिलता है कि नहीं, ठीक है। डेटा भी आपको रनिंग देखना है, हम लोग पकड़ नहीं सकते उसे, ठीक है। आएगा जाएगा ऐसा होगा, हरकतें, ठीक है। तो एक नंबर पिन इधर पे है, ये टच करना बहुत इजी होता है। चलो भाई, हरकतें दिखा दो, वोल्टेज, ये डेटा आएगा और भी आएगा, ये दिख रहा है, ये डेटा का आदान प्रदान हो रहा है, हो गया, फिर से आएगा, थोड़ा थोड़ा करके आता रहता है, ठीक है। बट चलो इसमें देखते हैं, लास्ट वाला पिन में 128 इसका हो गया कम्युनिकेशन करना, ठीक है। बंद कर देते हैं, एक सेकंड, ये ट्रिगर, ये ठीक है, ये एग्जैक्टली, ठीक है, ये डेटा बन गया आपका। तो क्लॉक, डेटा, रीसेट, सब कुछ ओके है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो मैं आपको एसएम क्लॉक, एसएम डेटा भी दिखाऊं, तो इसमें तो सब कुछ हो गया, ठीक है। और तीन नंबर पे वोल्टेज चाहिए, दिखा देता हूँ, 1 2 3 इधर पे देखो वोल्टेज प्रॉपर 3.3, सॉरी इधर पे हमें इसे भराना होगा, इसे भराना होगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। 2 वोल्ट नहीं, 1 वोल्ट, तो ये 1 सेकेंड लगा नहीं भाई, ये लग गया, 3.3 वोल्ट आ रहा है, राइट प्रोटेक्ट, तीन नंबर पिन, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया तीन नंबर पिन पे राइट प्रोटेक्ट वोल्टेज आएगा, पावर, उसके साथ साथ फ्रिक्वेंसी, 7 नंबर पे हमारा फिर से आएगा, तो 5 6 7 नंबर पिन, ये फिर से वोल्टेज, और लास्ट 8 नंबर पिन, तो ऑलवेज वोल्टेज, ठीक है, हो गया। अभी मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, तो कम्युनिकेशन हो गया, तो आपने देख लिया एलपीसी क्लॉक, 33 MHz का एलपीसी क्लॉक, पीएलटी रीसेट, उसके बाद बायोस का डेटा इनपुट, डेटा इनपुट आउटपुट, लैड का, लैड का पीसीआई का डेटा, तो सब कुछ बन गया कम्युनिकेशन लाइन पे। अभी एक चीज़ और भी आप देख सकते हो, वो है आपका जो रैम का, एक सेकेंड, इधर पे मैंने लिखा है ना रैम के बारे में, हाँ ये एसएम क्लॉक एसएम डेटा, ये भी आप देख सकते हो एसएम क्लॉक एसएम डेटा, ठीक है, ये रैम का, ठीक है, रैम से सीपीयू का कम्युनिकेशन, ये भी आप अच्छे से देख सकते हो डीएसओ की मदद से। तो इसे ऑफ करता हूँ मैं, मदरबोर्ड को, 200 मुझे जो लगता है 202 है, ठीक है। मैं एक बार रैम स्लॉट पे जाता हूँ, वन सेकेंड, आपको थोड़ा इधर पे रखता हूँ मैं। तो रैम स्लॉट का नंबर कुछ CN4500 है, कनेक्टर नंबर 4500, देखते हैं CN4500, नहीं भाई ये तो सीपीयू है, ये सीपीयू का कनेक्टर का नंबर है, नहीं है,
चलो और भी देख लेते हैं, इधर पे ही कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा कुछ ना कुछ। हाँ CN4100 है, ठीक है, चलो गुड। 4100 CN41, चलो रैम स्लॉट पे आ गया, ठीक है। अभी रैम स्लॉट आपको दिखा देता हूँ, ये रैम स्लॉट पे आ गया 4100 से, ठीक है। सो इधर पे आप रुक जाओ, ये आपका कनेक्टर है, तो कनेक्टर में 202 एंड 200 देखते हैं किधर है। इधर पे 194, 200 तो इस साइड नहीं है, इस साइड भी नहीं है, तो 200 किधर गया, इस साइड है क्या 200? क्लॉक डेटा रेफरेंस नहीं भाई, क्लॉक डेटा किधर गया भाई इसका, वन सेकेंड रुक जाओ, होगा तो ज़रूर, ठीक है। और कोई एरिया पे हो सकता है, नहीं भाई यही तो है, कुछ ना कुछ छूट रहा है 100% है श्योर। वन सेकेंड इधर पे ये, बट ये तो 100 नंबर पिंस है, ये मिल गया, देखो 200 पे लिखा है ASDA, इसका मतलब है डेटा, और तुम क्या बोलते हैं 202 पे है क्लॉक, ठीक है ACL, तो क्लॉक एंड डेटा। तो हम लोग इधर से हम लोग सर्च कर लेंगे, पिन पे चेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ओके। हम लोग क्या करेंगे, ये एक MOSFET के थ्रू पास किया जाता है, तो हम लोग उस MOSFET को टारगेट करेंगे, पेस्ट जा भाई, ये देखो ये MOSFET के थ्रू ऐसे पास किया गया, इधर से वोल्टेज दिया गया लाइन में, ये लाइन पे वोल्टेज चाहिए पहले, उधर से डेटा जाएगा। तो आपको जो ये वीडियो में आपको ज़रूर ये आपको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जो आपका जो डेटा है वो कभी भी अकेला अकेला नहीं जा सकता है, उसको एक कैरियर का माध्यम चाहिए जिसके ऊपर बैठ के वो जाएगा, तो वोल्टेज जो है वो देना पड़ता है, इसलिए तो डेटा क्लॉक के ऊपर से जाएगा, क्लॉक डेटा को मूव कराता है, ठीक है। आपको कलकत्ता से मुंबई जाना है, आपको जाना है ट्रेन से, तो आप ट्रेन पकड़ेंगे, आप डेटा हो क्लॉक है वो ट्रेन, तो ये आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है। तो देखिए इस MOSFET के थ्रू जा रहा है, तो ये जो डेटा है मैंने बताया रैम और PCH के बीच, इधर पे देखो सॉरी रैम और CPU के बीच SM क्लॉक SM डेटा का आदान प्रदान, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका क्या बोलते हैं, ये जो आपका MOSFET है इसे हम लोग सर्च करेंगे, तो ये ऐसे पाथ होके निकल जा रहा है, ठीक है। तो क्या है Q4500 है, ठीक है। तो Q4500 का ये अगर ड्रेन और सोर्स कोई भी पॉइंट पे आप चेक करोगे तो आपका डेटा और क्लॉक मिलेगा, और ये है 4501, तो पास में ही होगा, ओके पास में ही होगा। लास्ट चीज़ चेक कर लेते हैं, ठीक है, चलो एक सेकेंड रुक जाओ, क्या है Q4500, देखते हैं इधर पे ही कोई मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है, और बैक साइड में यही प्रॉब्लम है, बोर्ड व्यू नहीं है ना, तो दिक्कत होता रहता है, इधर से मैं वो मिलेगा मुझे MOSFET, वो एक प्रॉब्लम है। अब बीप मोड में भी वो से कंफर्म कर सकते हो, ठीक है, क्या था नंबर 4500 है, ठीक है 4500 Q4500 मिल जाओ भाई जल्दी जल्दी, बैटरी भी लो हो गया फ़ोन का, 4500 4500 इधर है भाई 4500 मिल नहीं रहा है 4500 इसके अंदर
4502 एंड 03 है, ये 4500 इस ये हीट सिंक के अंदर है, ठीक है। ये तो ये किधर है, ये 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 देखो ये, ठीक है। तो एक बार मैं इसे दिखा देता हूँ, आप इधर पे देखो, ठीक है। आप इधर पे डेटा देखो, डेटा क्लॉक का कम्युनिकेशन देखो, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ इधर से आपको दिखाने का। सो ये मेरा प्रोब बोर्ड मैंने इधर पे रख लेता हूँ, तो गेट तो एकदम टॉप में रख लेता हूँ, ठीक है। तो अभी चार्ज है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये चालू किया, ये देखो आया, दिखाई दिया ना आया। तो ये आपका डेटा है, ठीक है, क्लॉक एंड डेटा, जो इस लाइन के लिए आपका रैम में क्लॉक एंड डेटा का लाइन है, ठीक है, दिख गया, ठीक है। सो 4500 पे आपका क्लॉक है और डेटा है 4501 पे, उसके अंदर का। तो अगर मैं ट्राई करूँ इधर पे रखने का, ये बंद करते हैं, ओके, बंद कर दिया। अभी इसे चालू चालू करते हैं। 3.3 LDO के साथ कनेक्टेड है, इसके लिए लाइन अभी भी ऊपर तक है, बट लाइन ऊपर तक है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये वोल्टेज है, वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज के साथ उधर पे डेटा आना चाहिए। वो जो क्लॉक के लाइन पे आपको डेटा दिखाई दिया, इस लाइन पे भी दिखना चाहिए। ये देखो गया ना, ये दिख गया, तो ये आपका डेटा हो गया, डेटा का आदान प्रदान हो गया। सो ये जो आपका मैंने बताया, इधर पे मैंने ड्रॉ करके पहले बताया था ना, बैक साइड में ये बताया था मैंने, देखो 3.3 SM क्लॉक ऐसे घूम गया, ठीक है। तो इस वाले में हमारा इस मदरबोर्ड में वैसा ही इधर पे पूरा खेल है, ठीक है। ये देखो ये ऐसे आया, ऐसे घूम गया, और ये 3.3 के साथ कनेक्टेड है, और ये भी। तो ये S5 का सिग्नल है, ये बोर्ड ऑन होने के बाद ये ट्रिगर होगा तो ये पास करेगा, और ये LDO के साथ कनेक्टेड है तो 3VS है, ठीक है। तो इसलिए ये अप होके ही रह रहा है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आई थिंक आपको बहुत कुछ आपको सीखने को मिला है आज, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करो, और थैंक यू, बहुत 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 आपको थैंक यू इतना लाइक सब्सक्राइब इतना प्यार देने के लिए, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो भी आपको बहुत हेल्प करेगा आपका सामने फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप ऐसे ही बढ़ते रहो, ठीक है, और आप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लो, और इंस्टाग्राम भी मैं दे दूँगा, आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो। उधर पे मैं जब भी कोई भी नया वीडियो आता है तब भी उधर पे मैं पोस्ट डाल देता हूँ, ठीक है, जिससे आप पता कर सकते हो मेरा वीडियो आ चुका है, अगर आपका नोटिफिकेशन नहीं आया ऐसा कुछ भी है, ठीक है। तो आपको दिल से धन्यवाद गाइस, नेक्स्ट टाइम और कोई अच्छे से केस स्टडी के साथ मुलाकात होगी। और ये जो आपका डेटा मटेरियल है, आपका जो क्या बोलते हैं, आपका जो मैंने जो पढ़ाई आज के आपको इधर पे दिखाया है, वो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पूरा PDF करके आपको मिल जाएगा, एकदम पेज नंबर 1 से पेज नंबर 8 तक, ठीक है। तो चलो बाय बाय गाइस, एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, हमारा बोर्ड 100% ओके है, कोई भी दिक्कत नहीं है बोर्ड में, ठीक है। देखो बोर्ड फिर से डिस्प्ले देना चालू कर दिया, ठीक है। सो बोर्ड 100% ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को इतना प्यार इतना सपोर्ट करने के लिए, ओके। तो आप ऐसे ही जुड़े रहो मेरे साथ, मैं आपको ज़रूर लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे रहो, सब खुश रहो, ओके। मेरा बैटरी भी फ़ोन का पूरा डाउन हो गया, 91% बैटरी था जब मैं वीडियो चालू किया, अभी 2 घंटा 13 मिनट रनिंग हो रहा है, अभी 10% भी बैटरी नहीं है, ठीक है। तो वीडियो एंड करता हूँ, नहीं तो पूरा वीडियो चला जाएगा, ओके बाय।